नमस्कार गुड आफ्टरनून सलाम सत श्री अकाल आप सभी लोगों को करेंट अफेयर्स के आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है वेलकम है आज हमारे क्लास का क्या टॉपिक है हमारे डिस्कशन का क्या मुद्दा होगा हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे इन सब चीजों के बारे में आपको एक मोटे तौर पर अंदाजा लग चुका होगा आइडिया मिल चुका होगा जो आपका थंबनेल लगा हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे उससे आपको अंदाजा मिल चुका होगा इस क्लास को शुरू करने के पहले मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा एक घटना हमारे 13 दिसंबर 2022 की 13 दिसंबर 2022, यानी 2023 के 17 दिन 18 दिन पहले इस दिन अमेरिका में एक कानून पारित किया गया द रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट द रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट आपके सामने स्क्रीन पर थोड़ी सी झलक इसकी मैं दिखा रहा हूं द रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट और इस कानून के द्वारा अमेरिका में समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर दिया गया समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई और जब समलैंगिक विवाह को वहां मान्यता दी गई तो इस मान्यता देने के पश्चात यह प्रदर्शित किया गया कि यह कदम स्वतंत्रता समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों के अनुरूप उठाया गया है यह स्वतंत्रता समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है और इस बात को वहां के राष्ट्रपति के इस वक्तव्य से दिखाई देता है जो आपके सामने स्क्रीन पर है जहां पर ये इस एक्ट के पारित होने के बाद कहते हैं कि आज अमेरिका ने समानता स्वतंत्रता एवं न्याय की दिशा में एक और कदम उठाया यह कदम सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए आज के इस टॉपिक पर यह अमेरिका की घटना का जिक्र लाजिमी हो जाता है इसका जिक्र आवश्यक हो जाता है अपरिहार्य हो जाता है और इसी के साथ एक दूसरी घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा जो 11 मई 2023 इंडिया से जुड़ा होगा आप लोगों ने सुना होगा जो भी हमारे छात्र करंट अफेयर्स पे निगाह रखते हैं अखबारों को पढ़ते हैं उनको इस बात की जानकारी होगी कि कैसे अप्रैल से लेकर के मई तक बीच में कुछ गैप रहा सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर दस दिनों तक सुनवाई की हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का नाम आप बार बार सुनते होंगे अखबारों में ने दस दिनों तक समलैंगिक विवाह को भारत में भी लीगलाइज करने की वकालत की इन्होंने अपने अपने पक्ष अपने अपने तर्कों को प्रस्तुत किया तो दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के तरफ से तुषार मेहता इन्होंने समलैंगिक विवाह का विरोध किया इन्होंने भी ढेर सारे तर्कों को आधार बना करके यह स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत में समलैंगिक विवाह को लीगलाइज नहीं किया जाना चाहिए और दस दिनों तक चली इस बहस के बाद 11 मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों की बेंच ने समलैंगिक विवाह पर अपना निर्णय रिजर्व रखा है सुरक्षित रखा है और यह घटना आने वाले कम से कम तीन सालों के लिए चार सालों के लिए महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस घटना पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि इस चैनल पे सभी छात्र उपस्थित हैं और सभी छात्रों के लिए इसके बारे में एक समझ बनाना इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ये हम सभी का दायित्व तो है इसलिए आज मैं एक क्लास आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं ठीक है हम लोग आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा एक आउटलाइन बनाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग इस क्लास के बारे में आज क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं जो भी मैं स्लाइड पे दिखा रहा हूं वो लिखने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे उसका पीडीएफ चला जाए राइट तो जो भी बच्चे हमारे इस क्लास को कर रहे हैं उनके लिए लिखने की नहीं सुनने की जरूरत है समझने की जरूरत है आज के इस खुली बहस में भाग लेने की जरूरत है ये बात अलग है कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म हैं, है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहां पर हम अपनी बातों को कहते हैं चैट के माध्यम से हम अपनी बाप की बातों को सुनते हैं तो ये एक प्रकार का ऐसा बहस नहीं है जहां पर हम लोग वाद विवाद कर रहे हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस पर जो भी बहस हुई है विश्व स्तर पर या फिर भारत के स्तर पर उस सब मैं आपके सामने लाकर रखूंगा और फिर उन सब पे बातचीत करने के बाद उस सब पे सुनने के बाद हम लोग एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और समलैंगिक विवाह पर एक स्टैंड ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे हमारा टॉपिक जो है वो मैंने जो आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक समसामयिक मुद्दा का टॉपिक के रूप में नाम रखा है समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह लेकिन हमारा कंसर्न मेनली भारत के संदर्भ में है इंडिया के कंटेस्ट में और हम लोग इस पर क्या क्या बातचीत करने जा रहे हैं ये मैंने आपके सामने एक स्लाइड में रखा है सबसे पहले हम लोग समलैंगिकता के बारे में समझेंगे वट इज होमोसेक्सुअलिटी समलैंगिकता क्या है समलैंगिक संबंध क्या है जब हम समलैंगिकता को समझने का प्रयास करेंगे तो एक बहुत ढेर सारा इससे कुछ टर्मोलॉजी जुड़ी हुई एल जी बी टी आई क्यू ढेर सारी चीजें इनके बारे में भी थोड़ी समझ प्राप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि क्या है एल क्या है जी क्या है बी क्या है टी क्या है आई क्या है क्यू क्या है प्लस और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे समलैंगिक विवाह का अर्थ समझने के लिए फिर हमारा तीसरा डायमेंशन है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है समलैंगिकों की समस्या भारत में जो लोग या दुनिया में जो लोग समलैंगिक संबंधों में रहे हैं उनके सामने क्या क्या समस्या है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्यात्मक पहलू होता है तभी एक बहस छिड़ती है तभी विश्व के देश या भारत के लोग इस पर वाद विवाद करते हैं सरकार को सुनाने का प्रयास करते हैं आपस में बातचीत होती है और फाइनली एक निष्कर्ष तक समाज भी पहुंचता है और एक निष्कर्ष तक सरकार भी पहुंचता है सरकार यदि निष्कर्ष तक पहुंचता है तो उस दिशा में कानून का निर्माण करता है उस घटना को लीगलाइज करने का प्रयास करता है समाज यदि उस घटना के पक्ष में एक जनमत तैयार करता है उसको वैधता देने का प्रयास करता है उसको लेजिटिमेसी प्रदान करने का प्रयास करता है निश्चित तो तौर पर ये एक समस्यात्मक पक्ष है इनसे क्या समस्या जुड़ी है कौन कौन से पहलू हैं और आज के संदर्भ में क्यों इस पर विचार किया जाना चाहिए इस संदर्भ में हमारा तीसरा डायमेंशन है जिसको हम समलैंगिकों की समस्या हेडिंग डालकर करके आपको मैंने बता दिया कि हम इस पर भी चर्चा करेंगे इसके बाद हमारा जो फोर्थ पार्ट है समलैंगिकता की वर्तमान स्थिति आज क्या क्योंकि तो समलैंगिकता कोई नई घटना नहीं है पुरानी है, बट आज क्या स्थिति है इस संदर्भ में हम दो भागों में बांट के इसको समझने का प्रयास करेंगे एक विश्व में समलैंगिकता की क्या वर्तमान स्थिति है और एक भारत में समलैंगिकता की क्या वर्तमान स्थिति और फिर इसी संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो समय समय पर डिसीजन आए निर्णय आए हम उन निर्णयों की भी चर्चा करें और फिर हमने जो छठा डायमेंशन आपके इस स्लाइड में खींच रखा है वो है समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क और है समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क। क्योंकि आज भारत में समलैंगिकता करेंट अफेयर्स का टॉपिक तो है ही और लंबे समय से इस पर बहस भी चल रही है उन बहस की भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करते चलेंगे लेकिन आज का जो सबसे फोकस टॉपिक है वो है समलैंगिक विवाह आज समलैंगिक विवाह के कुछ लोग पक्ष में हैं तो कुछ लोग विपक्ष में अभी अभी हमने कहा कि समलैंगिक विवाह पर दस दिनों तक सुप्रीम कोर्ट बहस हुई तुषार मेहता ने समलैंगिक विवाह के विपक्ष में ढेर सारे तर्क को रखते हुए उन्होंने कहा कि इसको लीगलाइज नहीं किया जाना चाहिए जबकि वहीं पर मुकुल रोहतगी ने इसके पक्ष में ढेर सारे तर्कों को रखते हुए कहा कि उनको लीगलाइज किया जाना चाहिए तो रोहतगी ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग जो भी समलैंगिक हैं जो समलैंगिकता को समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करना चाहते लीगलाइज करने पर बल देते उन्होंने भी इसके पक्ष में ढेर सारे अपने तर्क एकत्रित कर रखे और जो कहते हैं कि भारत में समलैंगिक विवाह को लीगलाइज नहीं किया जाना चाहिए उनके पास भी उसके अगेंस्ट में ढेर सारे तर्क है हम उन तर्कों की चर्चा करें समलैंगिक विवाह के पक्ष में क्या तर्क है और समलैंगिक विवाह के विपक्ष में क्या तर्क है और तब हम अंत में एक दोनों पर विचारोपरांत एक निष्कर्ष ड्रॉ करेंगे अपना एक स्टैंड ड्रॉ करेंगे और उसी स्टैंड के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और मैंने अभी अभी कहा कि दस दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में बहस होने के बाद वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा और दो दिन चार दिन आठ दिन दस दिन बाद कभी भी ये निर्णय आ सकता है सबके मन में उत्सुकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर देगी <क्षुँँ> क्या सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर देगी या सुप्रीम कोर्ट सरकार के तर्कों के पक्ष में जाते हुए समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देगी लीगलाइज नहीं करेगी पूरे भारत के लोगों के मन में एक जिज्ञासा बनी हुई है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करने के मामले में निर्णय को रिजर्व रखा है वो क्या है निर्णय लीगलाइज हो गया है या नहीं होगा या नहीं होगा अभी निर्णय नहीं आया है बच्चों फिर भी हम लोग आज इस क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित है और इस पर लगभग हम लोग सारे डायमेंशन देकर के कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हो सकता है हमारे कंक्लूजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए या हो सकता है उसके फेवर में आए उससे हमें लेना देना नहीं है जो तर्कसंगत निष्कर्ष है जो एक रेशनल डिस्कोर्स के बाद निष्कर्ष होना चाहिए हम लोग अपने इस क्लास में उसी निष्कर्ष तक पहुंच करके इस क्लास को फिनिश करेंगे ठीक है अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर और हम आज का क्लास शुरू करते हैं जब भी हम इस क्लास की बात करते हैं तो एक शब्द आपके सामने आता है जो स्क्रीन पर है एल जी बी टी क्यू ए प्लस क्या है इसका अर्थ क्या होता है इसका मतलब क्या होता है इसका संदर्भ क्या होता है सामान्य तौर पर बहुत सारे हमारे छात्र इसके अर्थ से अवगत है और सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो हमारी स्क्रीन में भी इसके बारे में अर्थ लिखा हुआ है एल फॉर लेस्बियन जी फॉर गे बी फॉर बाइसेक्सुअल टी फॉर ट्रांसजेंडर आई फॉर इंटरसेक्स क्यू फॉर क्वियर और ए फॉर असेक्सुअल एल जी के आई क्यू ए के एल जी बी टी पहले एल जी बी टी चला पहले समलैंगिकता समलैंगिकता में लेस्बियन और गे दो शब्दों का प्रयोग किया गया फिर इसमें एक और जुड़ गया बाईसेक्सुअल फिर इसमें एक और जुड़ गया ट्रांसजेंडर और एक लंबे समय तक एल जी बी टी ये चार अक्षरों को लेकर के और बातें चलती रही बातें चलती रही बातें चलती रही फिर इसमें आई जुड़ गया क्यू जुड़ गया ए जुड़ गया फिर इसमें प्लस जुड़ गया ये क्या है इसका क्या मतलब है इसका क्या अर्थ होता है मैं संक्षेप में आपके सामने चर्चा करता हूं ध्यान से आप सुनेंगे देखेंगे भी हम दो आधारों पर इन शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे हमारा पहला आधार है हमारा पहला आधार है हमारा शरीर हमारा बॉडी अगर हम कहें तो हमारा पहला आधार जिसको कि हम एक के अंतर्गत रखते हैं हम इसको कह सकते हैं बॉडी एंड सेल्फ आइडेंटिटी बॉडी एंड सेल्फ आइडेंटिटी और एक हमारा दूसरा आधार हो सकता है हम दूसरा आधार लिख सकते हैं और दूसरा आधार है सेक्सुअल ओरिएंटेशन टू अदर्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन अदर्स आप दोनों के मतलब को जब आप समझ जाएंगे तो आप इन सब के अर्थ को बड़े आसानी से समझ जाएंगे कंपेटिवली समझना आपके लिए आसान होगा जब हम किसी भी व्यक्ति के शरीर को देखते हमारा शरीर ऑब्जेक्टिवली हमें क्या आइडेंटिटी देता बायोलॉजिकल कुछ कैरेक्टर है और उसी कैरेक्टर के आधार पर सोसाइटी ने हमें एक आइडेंटिटी दी हमारी कुछ विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के आधार पर समाज ने हमें एक पहचान दी सेक्स एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर और समाज ने जो आइडेंटिटी दी है इस जेंडर इतनी बात आप जानते हैं हमारे कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर हमको एक कैटेगरी प्राप्त होती है जिसको कि हम मिल करते बिल्कुल क्लियर आप किसी भी व्यक्ति को देखकर बच्चा जैसे ही पैदा लेता है और जब हम उसको देखते हैं तो देखने के साथ ही पता चल जाता है कि वो मेल है कि फीमेल है डॉक्टर बताता है लड़का हुआ है वो हमारे बॉडी के जो जैविकीय विशेषताएं हैं जो हमारे शरीर के जैविकीय विशेषता है हमारा जननांग लिंग उसको देखकर डॉक्टर बताता है कि लड़का हुआ घर वाले बताते हैं लोगों को कि लड़का हुआ है बेटा हुआ है पूरा समाज हमें लड़का के रूप में एक पहचान देता एक आइडेंटिटी और अगर हमारी शारीरिक विशेषता कुछ अलग किस्म की तो डॉक्टर या समाज हमें एक दूसरी पहचान देता है इस कॉल तो पुरुष है स्त्री है ये लड़का है या लड़की है ये पहचान सोसाइटी ने दी राइट जन्म से हम एक विशेष शारीरिक विशेषताओं के साथ पैदा लेते हैं हम ही नहीं जानवर भी जानवर भी लेकिन अगर एक मेल एलिफेंट है तो हाथियों के समूह ने उसे कोई आइडेंटिटी नहीं दी है बच्चा अगर कोई फीमेल एलिफेंट है तो हाथियों के समूह ने कोई आइडेंटिटी नहीं दी है मेरी तो बातों को गौर से सुनो बट हम मानव समाज ने जानवरों को भी मेल और फीमेल के रूप में आइडेंटिटी दी है उसको एक पहचान दिया है कि ये है इस कॉल मेल ये है इस कॉल फीमेल मनुष्यों के लिए भी दिया और हमारी जैविकीय विशेषताओं हमारी शारीरिक विशेषताओं कैरेक्ट्रिस्टिक्स के आधार पर हमें मेल या फीमेल के रूप में कैटेगराइज किया जाता और सामान्य तौर पर यही कैटेगरी पूरे दुनिया में मानव जाति के लिए देखी जाती राइट right? लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा लेता और डॉक्टर जब उसके शारीरिक विशेषताओं को देखता है जब उसके जन्नांगों को गुप्तांगों को देखता है लिंग को देखता है और वो जब पाता है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिश्रित हैं वो चाहे वो कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर हो गर्भ के अंतर्गत पेट के अंतर्गत जो गर्भ है जो भ्रूण है उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस में अगर कुछ डिसऑर्डर आ गया हो गर्भाधान के समय में यदि कुछ डिसऑर्डर आ गया हो क्रोमोजोन में कुछ अगर परिवर्तन आ गया हो और भ्रूण का जो डेवलपमेंट हुआ वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ अस्पष्ट मेल और फीमेल के रूप में डेवलपमेंट नहीं हुआ उसके लिए यू युकान से मेल यू कान से फीमेल आप उसे मेल भी नहीं कर सकते हैं आप उसे फीमेल भी नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक तीसरा शब्द यूज किया जाता है इंटरसेक्स इंटर सेक्स मेरे ख्याल से इस तीन शब्द का अर्थ समझने में आपको परेशानी नहीं होगी बच्चा पैदा लिया हमने उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा हमने डॉक्टर ने समाज ने सबने और स्पष्ट हो गया इस कॉल मेल क्योंकि तो हमारे समाज ने पहले से ही मेल और फीमेल के रूप में उनको एक नामकरण कर रखा उनकी एक पहचान स्थापित कर रखी है मेल एंड फीमेल जब हम सेक्स और जेंडर में अंतर करते हैं बच्चा तो ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है इसके लिए सेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं यौन शब्द का प्रयोग करते हैं कि अगर आपका लिंग होगा इस तरीके का या जो भी आपके अंग होंगे गुप्त वाले अगर अस्तन बड़ा है जो भी है समाज ने नाम दिया मेल समाज ने नाम दिया फीमेल पुरुष स्त्री और फिर समाज ने पुरुष और स्त्री के रूप में हमें हमारी पहचान देकर हमारे साथ कुछ व्यवहार के तरीकों को भी जोड़ दिया हमें किस तरह का वस्त्र पहनना चाहिए ये भी जोड़ दिया हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ये भी जोड़ दिया समाज ने अपने नियमों के माध्यम से स्थापित किया कि पुरुषों को इस तरह का वस्त्र पहनना चाहिए स्त्रियों को इस तरह का वस्त्र धारण करना चाहिए पुरुषों को इस तरह के गुणों से युक्त होना चाहिए इसको पुरुषोचित गुण स्त्रियों को इस इस तरह के गुणों से युक्त होना चाहिए इसको कॉल गुण ये हमारे समाज ने स्टैब्लिश किया लड़कियों को शर्माना चाहिए शर्म हाया लिहाज किसी भी बच्चे में जन्म से नहीं आता यह समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा उसमें इंजेक्ट होता क्योंकि समाज ने उसको इसी रूप में आइडेंटिफाई किया इसी रूप में उसकी पहचान स्थापित की उसकी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया समाज अपेक्षा करता है कि स्त्रियों को शरमाना चाहिए लिहाज करना चाहिए पुरुषों को वीर होना चाहिए मारपीट करना चाहिए स्त्रियों को नाजुक होना चाहिए खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी आपने बार बार इस कविता को सुना होगा आज का फेमिनिस्ट मूवमेंट इस तरह के कविताओं पर प्रश्न खड़ा करता है वो कहता है कि इस तरह की जो कविताएं भी की गई वो भी पैथियारकी से उत्प्रोत है सत्तात्मक सोच से उत्प्रोत है जिस समाज में स्त्री को शरमाना चाहिए बाहर नहीं निकलना चाहिए घर के अंदर रहना चाहिए इस तरह के मानदंड मानदंडलिश किया वो समाज पैट्रियॉर्किकल सोसाइटी था वो समाज पितृसत्तात्मक समाज था उसने जो किया वो सही नहीं किया बाहर का काम करने लड़ने झगड़ने युद्ध लड़ने का काम केवल पुरुषों का गुण है पुरुषोचित गुण है स्त्री उचित गुण नहीं है सोचो इस कविता में झांसी वाली रानी की तारीफ की गई है या शिकायत की गई है झांसी वाली रानी लड़ी बहुत बहादुरी के साथ लेकिन उसमें टैग लगा दिया क्या टैग है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रही उन्होंने जो युद्ध लड़ी ये मर्दों की तरह लड़ी वट इज दिस मर्दों की तरह लड़ी तो महिलाओं के साथ और पुरुषों के रूप में समाज में जो डिफरेंस क्रिएट किया जो समाज में महिलाओं की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की पुरुषों की आइडेंटिटी स्टैब्लिश की इसके लिए जेंडर शब्द का इस्तेमाल किया सेक्स स्पेसिफिक टाइप सेक्स इज कॉल मेल अदर स्पेसिफिक टाइप सेक्स इज कॉल फीमेल और एक ऐसा बायोलॉजिकल कैरेक्टर जहां पर दोनों का मिश्रित रूप हो मिक्स हो इज कॉल्ड इंटरसेक्स क्लियर है अब मैंने दो चीजों को दिया है एक है बॉडी और सेल्फ आइडेंटिटी हमारा बॉडी क्या कह रहा है हम मेल है या फीमेल है और हम अपनी पहचान किस रूप में देख रहे हैं समाज ने जो हमारी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की है वो हमारे फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर स्टैब्लिश की अगर हमारे पास लिंग है हमारी शरीर की एक स्पेसिफिक बनावट है एक स्पेसिफिक हमारा जैविकीय विशेषता है तो समाज ने हमारी आइडेंटिटी किस रूप में एस्टैब्लिश की मेल लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी किस रूप में स्टैब्लिश करते ये भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चे सेल्फ आइडेंटिटी सेल्फ आइडेंटिटी और समाज में जनरली व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी सेल्फ आइडेंटिटी वही बनाता है जो सोसाइटी ने बना रखा जनरली सो इस कॉल जेनरल फेनोमेरा हमारा स्पेसिफिक टाइप का कैरेक्टर इस कॉल मेल समाज ने उसको मेल के रूप में आइडेंटिटी एस्टेब्लिश किया हमने समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज के उस आइडेंटिटी को आत्मसात किया और हमने भी अपने बारे में वही आइडेंटिटी जनरल फेनोमिना यही है और इसी की तरह हम और आप जी रहे हैं इसी तरह हम और आप हैं अगर हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टर मेल का है अगर हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टर फीमेल का है तो हमें हम मेल हैं हम फीमेल हैं समाज ने बनाया है समाज ने कहा है कि हमें कैसा वस्त्र धारण करना चाहिए हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए हमें किस किस तरह के गुणों से युक्त होना चाहिए हम उन्हीं तरह के गुणों से युक्त होते हैं उन्हीं तरह के वस्त्रों को धारण करते हैं हम उन्हीं तरह के व्यवहार को अपनाते हैं और यही नहीं हम भी अपने बारे में जो आइडेंटिटी बनाते हैं जो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है उसी में लेकिन कुछ ऐसे लोग भी रिपीट ध्यान से सुनो मेरी बात को कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फिजिकली मेल है समाज उसको मेल मानता समाज उसकी पहचान मेल के रूप में स्टैब्लिश करता लेकिन वो स्वयं अपनी पहचान फीमेल के रूप में स्थापित करते यानी बायोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर हम मेल हैं लेकिन हम अपने को फीमेल के रूप में देखते हैं। हम अपने को फीमेल के रूप में समझते रिजल्ट क्या होगा हमें लड़कियों वाला कपड़ा पहनना अच्छा लगेगा हमें लड़कियों की तरह रहना अच्छा लगेगा हमें लड़कियों की तरह व्यवहार करना अच्छा लगेगा परिणाम चूंकि हम सेल्फ आइडेंटिटी फीमेल के रूप में रखते हैं बच्चा बायोलॉजिकली है मेल और सेल्फ आइडेंटिटी हमारी फीमेल की है तो हमारा वे ऑफ बिहेवियर फीमेल वाला होगा फीमेल वाला होगा और एक कंट्राडिक्ट्री होगा हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर से हमारा जो बिहेवियरियल चरित्र होगा करेक्टर होगा वो डिफरेंस होगा बिल्कुल अपोजिट होगा बिल्कुल ट्रांस होगा और ऐसे व्यक्ति को बायोलॉजिकली वो मेल है लेकिन उसकी सेल्फ आइडेंटिटी अपने बारे में फीमेल के रूप में है इसलिए उसके उसका जो वे ऑफ बिहेवियर है जो उसका व्यवहार का तरीका कपड़ा पहनने का तरीका बातचीत करने का तरीका वो सब फीमेल वाला है महिलाओं वाला या फिर अगर बायोलॉजिकली वो फीमेल है जस्ट अपोजिट बायोलॉजिकली वो फीमेल उसके जो भी जननांग है वो महिलाओं वाले हैं लेकिन उस सेल्फ आइडेंटिटी उसकी पुरुषवादी पुरुषों की तरह व्यवहार करना उसको अच्छा लगता है पुरुषों की तरह कपड़ा पहनना उसको अच्छा लगता है पुरुषों की तरह गुणों को धारण करना उसको अच्छा लगता है जस्ट अपोजिट ऐसे भी लोग हमारे समाज में थे और हैं ये बात अलग है कि बहुत स्पष्ट कैटेगराइजेशन और इनका अलग अलग डिफिनेशन पहले नहीं किया गया था और ऐसे लोगों को हम कहते हैं ट्रांसजेंडर नाम सुना होगा आपने ट्रांसजेंडर किन्नर हमारे समाज में इस तरह के लोगों को आप देखते होंगे ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर की भी दो कैटेगरी विद्वानों ने बनाई बहुत ज्यादा मैं गहराई में आपको नहीं ले जाऊंगा एक होते हैं क्रॉस ड्रेसर और दूसरी होते हैं ट्रांस ट्रांस सेक्स ट्रांससेक्सुअल ट्रांसड्रेसर ट्रांस मतलब अभी अभी मैंने कहा फिजिकली मेल है महिलाओं का कपड़ा पहनने लगते हैं इसको ट्रांसड्रेसर या फिर फिजिकली हम मेल हैं बच्चा लेकिन हमने सेल्फ आइडेंटिटी महिलाओं के रूप में स्टेब्लिश कर रखी है तो हम महिलाओं का कपड़ा ही नहीं पहनते हैं बल्कि हमने अपना सेक्स चेंज करा लिया बल्कि हमने अपना सेक्स चेंज करा लिया है विद्वान इसकी भी कुछ कैटेगरी बनाते हैं एम एफ एम ये वे लोग हैं जो बायोलॉजिकली मेल थे सेक्स चेंज कराकर फीमेल बन गए एम एफ एम बायोलॉजिकली मेल थे सेक्स एक्सचेंज करा करके फीमेल बन गए और फीमेल बनने के बाद वो मिल के साथ सेक्सुअल ओरिएटेशन रखने लगे सोचो या फिर इनकी एक और कैटेगरी बन जाती है एफ एम एफ बायोलॉजिकली फीमेल थे सेल्फ आइडेंटिटी मिल के रूप में थी वो मिल के रूप में जीना चाहते थे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना आ चुका है कि उन्होंने अपना सेक्स चेंज करा लिया अब वो मिल बन गए फीमेल से मिल बन गए और मिल बनने के बाद वो फीमेल के साथ शादी करने लगे साथ में रहने लगे ऐसे लोग भी होते हैं इसकी बहुत सारी कैटेगरी होती है इस पर मैं बहुत गहराई से आपको नहीं समझाऊंगा बस केवल मैं ये चार चीजें आपको मैंने समझा दिया और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बायोलॉजिकली हम क्या है मेल फीमेल और इंटरसेक्स ये तीन क्लियर है ये तीन ही तरह के बायोलॉजिकली लोग होते हैं मेल फीमेल और इंटरसेक्स और बायोलॉजिकली मेल या फीमेल होने के बावजूद यदि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी अपोजिट है तो हम उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं हम उसको किन्नर कहते हैं क्लियर है तो आपके एल जी बी टी हम लोगों का ध्यान देखो एल जी बी टी में मैंने आपको इसका क्लियर कर दिया ट्रांसजेंडर का अर्थ और हमने इंटरसेक्स का अर्थ आपको क्लियर कर दिया डल अब हम आते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन टू अदर्स एक व्यक्ति का अन्यों के प्रति यौन उन्मुक्ता सेक्स करने की इच्छा यौन आकर्षण की आधार पर भी कुछ कैटेगरी बनाई गई है लोगों मोटे तौर पे जनरल कैटेगरी क्या है बच्चा जनरल कैटेगरी है हेट्रो हेट्रो सेक्सुअल विषमलिंगी और हम लोगों में से लिंगी विषमलिंगी विषमलिंगी या हेट्रोसेक्सुअल वो होते हैं जो विपरीत लिंगों के प्रति यौन आकर्षण रखते हैं यदि हम मेल हैं और फीमेल को देख करके हमारे अंदर यौन इच्छा जागृत होती या हम फीमेल हैं और मेल को देख करके हमारे अंदर यौन इच्छा जागृत होती है सिक्स करने की इच्छा जागृत होती है यौन आकर्षण जागृत होता जनरली अधिकांश में ऐसा ही होता इनके लिए एक शब्द दिया जाता है हेट्रोसेक्सुअल, क्लियर है हेट्रोसेक्सुअल, और यदि हम पुरुष हैं मेल हैं और फीमेल को देख करके हमारे मन में यौन इच्छा जागृत नहीं होती है हमारा जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो विपरीत लिंगियों के प्रति न होकर समान लिंगियों के प्रति है हमारे अपने ही लिंग के प्रति है बात समझ में आ रही है हम मेल हैं और फीमेल के प्रति हमारा यौन आकर्षण न होकर सेक्सुअल ओरिएंटेशन न होकर मेल के प्रति सेक्सुअल ओरिएंटेशन पुरुष का पुरुष के प्रति यौन आकर्षण यौन इच्छा यौन उन्मुखता या स्त्री का फीमेल का अन्य फीमेल के प्रति अन्य स्त्री के प्रति यौन इच्छा यौन आकर्षण सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऐसे भी लोग हमारे समाज में रहे हैं और आज भी और ऐसे लोगों के लिए हम शब्द देते हैं होमोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल समलैंगिक समलैंगिक बिल्कुल क्लियर है विपरीत लिंगियों के प्रति यौन आकर्षण का भाव रखने वाले व्यक्तियों को हम विषम लिंगी कहते हैं और समान लिंगियों के प्रति यौन आकर्षण रखने वाले व्यक्तियों को हम समलिंगी कहते हैं और इस तरह की घटना को हम समलैंगिकता कहते हैं अब जब हम होमोसेक्सुअल की बात करते हैं तो होमोसेक्सुअल भी दो तरह के होते हैं एक यदि पुरुष पुरुष के प्रति रखता है तो उसको हम गे कहते हैं और दूसरा अगर स्त्री स्त्री के प्रति रखती है तो उसको हम लेस्बियन करते राइट गे और गे और लेस्बियन विपरीत लिंगियों के प्रति यौन आकर्षण अभी तक तो हम अपने शरीर और अपने बारे में अपनी आइडेंटिटी सेल्फ आइडेंटिटी के आधार पर हमने कैटेगराइज किया उस संदर्भ में हमने चार कैटेगरी बनाया मेल फीमेल इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर राइट अब हम अन्यों के संदर्भ में सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर कुछ और कैटेगरी बनाते हैं जो समाज के जो लोग हैं अलग अलग कैटेगरी के जो जेनराइज है जो सबसे ज्यादा है वो हेट्रोसेक्सुअल है विषमलिंगी है और चूंकि इनकी संख्या इतनी ज्यादा है बच्चा कि धर्म में परंपरागत मान्यताओं में जबकि उसके बाद के बने हुए कानूनों में इसी को नेचुरल मान लिया गया और बाकी को नेचुरल नहीं माना गया प्राकृतिक नहीं माना गया और प्राकृतिक संबंध की श्रेणी में रख दिया गया जबकि समाज में तो लोग हैं समलिंगी विषमलिंगी गे, वेस्पियन, राइट अच्छा ध्यान से सुनो इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुरुष के प्रति भी यौन आकर्षण अगर एक महिला है वो पुरुष के प्रति भी यौन आकर्षण रखती है और महिला के प्रति भी रखती है एक पुरुष है और उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन महिला के प्रति भी होना चाहिए बाई सॉरी हेट्रोसेक्सुअल हम पुरुष हैं और हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन महिला के प्रति भी है और पुरुष के प्रति भी है यानी हम एक साथ हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल दोनों हैं यानी हम एक साथ हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल दोनों हैं ऐसे लोगों को एक नाम दिया जाता है बाईसे उभयलिंगी उभय लिंगी बाई क्लियर है विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण रखने वाले व्यक्ति को विषमलिंगी कहते हैं Osionfish. समान लिंगियों के प्रति आकर्षण रखने वाले व्यक्ति को समलिंगी कहते हैं अगर पुरुष पुरुष के प्रति रखता है तो गे कहते हैं स्त्री स्त्री के प्रति रखती है तो कहते हैं और यदि कोई पुरुष पुरुष और स्त्री दोनों के प्रति यौन आकर्षण रखता है या कोई स्त्री स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति यौन आकर्षण रखती है तो उसको हम उभयलिंगी कहते हैं बाई कहते हैं। ऐसे भी लोग समाज में कुछ ऐसे भी लोग समाज में हैं जिनमें किसी भी के साथ यौन आकर्षण नहीं होता यानी उनका किसी के साथ भी सेक्स की इच्छा जागृत नहीं होती है उनको हम असेक्सुअल कहते हैं चौथी कैटेगरी है ए सेक्सुअल इनको हम असेक्सुअल कहते हैं इसका एक और कैटेगरी पैन सेक्सुअल है बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत यहां नहीं है जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है उन्हीं अक्षरों का या उन्हीं शब्दों का हम लोग यहां पर अर्थ क्लियर करते हैं तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर मेनली चार प्रकार के लोग हमारे समाज में विद्यमान हैं हेट्रोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल और असेक्सुअल विषमलिंगी समलिंगी और असेक्सुअल का हिंदी मुझे नहीं पता है अभी उसका हिंदी बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आया तो कई जगहों पर देवनागरी में असेक्सुअल लिख दिया जाता है यह कैटेगरी है किसी व्यक्ति का अन्यों के प्रति यौन उन्मुखता के आधार पर अब हमारे पास बच्चा लगभग सभी के अर्थ क्लियर हो गए सभी के अर्थ क्लियर हो गए पीछे जाते हैं लेस्बियन क्लियर है गे क्लियर है बायसेक्सुअल क्लियर है और असेक्सुअल क्लियर है एक शब्द और है क्वियर हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है क्या आइडेंटिटी है कंफ्यूज है वो कंफ्यूज है वो अपने को कभी पुरुष समझ पाते हैं कभी महिला समझ लेते हैं क्वेश्चन बार इसीलिए यहां पर क्वेश्चन क्यू से जो है ये क्वेश्चन शब्द को भी कई जगहों पर कई विद्वानों ने इसकी चर्चा की है कुछ लोगों ने इसको एक अम्ब्रेला टर्म के रूप में यूज किया है तो कुछ ने इसको क्वेश्चन मार्क के रूप में यूज किया है जहां पर क्लियर नहीं हो पाता है व्यक्ति कि हम क्या हैं जहां व्यक्ति पूरी तरह से कंफ्यूज रहता है जहां व्यक्ति के सामने सदैव एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है कि हम स्त्री हैं कि पुरुष है अपने सेक्स के प्रति उसकी अपनी कोई सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाती है ऐसे व्यक्ति को क्लियर करते तो जो सामने में सात शब्द आपके दिए हुए हैं ऑलमोस्ट मैंने इसका अर्थ आपको क्लियर कर दिया लेकिन बच्चा यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे कॉमन क्या तो अगर बॉडी के हिसाब से हम देखें बॉडी कैरेक्टर के हिसाब से देखें और सिर्फ आइडेंटिटी के हिसाब से देखे तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन है मेल है फीमेल मेल है और फीमेल है इंटरसेक्स जिसका फिजिकल सेक्स आइडेंटिटी क्लियर नहीं है ऐसे लोगों की संख्या बिरले है कम है या फिर ट्रांसजेंडर ऐसे लोगों की संख्या भी कम है ये जनरल नहीं या फिर अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के संदर्भ में देखें तो विषमलिंगी हमारे दुनिया में हमारे समाज में विसमलिंगी लोग ज्यादा है हेट्रोसेक्सुअल ज्यादा है होमोसेक्सुअल कम गे लेस्बियन कम है बाई सेक्सुअल कम है सेक्सुअल कम है बहुत बिल्ले लोग हैं जिनको सेक्स ओरिएंटेशन नहीं होता है इसीलिए हमारे समाज ने चाहे वो हमारा परंपरागत समाज हो पूरी दुनिया का मेल और फीमेल के रूप में कैटेगरी को ही जनरल कैटेगरी के, के रूप में स्वीकार किया ट्रांसजेंडर की उपेक्षा की गई इंटरसेक्स जैसे लोगों की उपेक्षा की गई शुरू शुरू में तो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर दोनों को ही इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर दोनों को ही समान मान लिया जाता था ये तो बाद का डेवलपमेंट है जब इनको अलग अलग डिफाइन किया गया अलग अलग इनके लिए टर्म यूज किया दोनों को एक ही मान लिया जाता था बाद के डेवलपमेंट में इसमें भी कई कैटेगरी बनाई गई बहुत सारी चीजें जिनरल इन्हीं दोनों को माना गया और इधर हेट्रोसेक्सुअल को ही जनरल माना गया होमोसेक्सुअल कम थे इसलिए इनको मानसिक विकृति कर दिया गया इसको गलत कहा गया जो जनरल था उसी को समाज ने रिकॉग्नाइज किया उसी को समाज ने मान्यता दी जो जनरल था उसी को समाज ने मान्यता दी और इसी को केंद्र में रख के समाज के नियम और तौर तरीके विकसित किए गए इसी को केंद्र में रखकर के धर्म के द्वारा भी अपनी मान्यताओं को विकसित किया गया अगर विवाह समाज द्वारा बनाया हुआ एक नियम है तो लड़का और लड़की के बीच विवाह को ही वैधता प्रदान की गई कालांतर में हमारे समाज के राज्य के कानून में भी विषमलिंगी विवाह को ही कानूनी तौर पर मान्यता दी गई समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई समाज में जो ट्रांसजेंडर लोग हैं जो किन्नर है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया उनके लिए कहीं कोई समाज में परिणाम क्या हुआ समाज में हर जगह उपेक्षा के शिकार हुए इसीलिए जब फिर से ये लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं आज फिर से इनके विषय में चर्चा हो रही है दुनिया के अलग अलग देशों में इनके पक्ष में कानून का निर्माण हो रहा है भारत में कुछ ही दिन पहले ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया आपने पढ़ा होगा तृतीय लिंगी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया उनके ढेर सारे अधिकारों को देने की बात की गई और कई जगहों पर उनके अधिकारों को देने का काम भी शुरू हो गया ये भारत में ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसा हो रहा है यही वो लोग हैं जिनके लिए आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज का जो हमारा चर्चा है आज की जो हमारी कहानी है वो इन्हीं पर फोकस्ड है ठीक है ये आज एल जी बी टी मूवमेंट के वे लोग हैं जो आज पूरे दुनिया में हर जगह अपने अधिकारों को लेकर के लड़ रहे हैं जनरली हम एल जी बी टी मूवमेंट भी कहते हैं इस कैटेगरी के जो लोग हैं जो जनरल से अलग है जो न मेल है न फीमेल है कुछ और हैं इंटरसेक्स है, इंटर है ट्रांसजेंडर हैं जो जनरल हेट्रोसेक्सुअल लोग हैं उनसे वो अलग हैं वो होमोसेक्सुअल है गे हैं लेस्बियन है बाई हैं, है जिनको अब तक समाज ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था जो असेक्सुअल है जिनको अब तक समाज ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था ये सभी आज एक मंच पर खड़े होकर के अपने अधिकारों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं पहले समलैंगिक अधिकार आंदोलन के रूप में इसको जाना जाता था फिर एलजीबीटी मूवमेंट के रूप में इसको जाना जाने लगा अब उस एलजीबीटी में भी अब और आई क्यू ए सब जुड़ते चले गए इनका आकार बढ़ता चला गया यही मुद्दा है जो आज का एक समसामयिक मुद्दा है वैश्विक स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी और भारत में चूंकि ये चर्चा का विषय है इसलिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए चलिए अब हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और तेज करते हैं अब हम लोग हमारा अगला डायमेंशन है समलैंगिकता का अर्थ और हमें लग, ही लगता है अब बताने की जरूरत है मीनिंग ऑफ होमोसेक्सुअलिटी बड़ा क्लियर है समलैंगिकता सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर निर्मित एक कैटेगरी है ये उन लोगों की कैटेगरी है जो लोग समान लिंगियों के प्रति यौन आकर्षण का भाव रखते हैं ये उन लोगों की कैटेगरी है जो लोग समान लिंगियों के प्रति यौन आकर्षण का भाव रखते हैं। इसका जब डिफिनेशन दिया जाता है बच्चा तो डिफिनेशन में यही कहा जाता है कि समान लिंग के प्रति भावात्मक इमोशनल एंड फिजिकल शारीरिक आकर्षण को इस भाव को समलैंगिकता होमोसेक्सुअलिटी की संज्ञा दी जाती है और इस भाव को रखने वाले व्यक्ति को होमोसेक्सुअल कहा जाता है समान लिंग के प्रति भावात्मक एवं शारीरिक आकर्षण को इस आकर्षण को इस फीलिंग को समलैंगिकता होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है और ऐसे व्यक्तियों को होमोसेक्सुअल कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को होमोसेक्सुअल कहा जाता है। यदि ये पुरुष पुरुष के प्रति रखने वाले हैं तो उनको गे कहा जाता है और यदि स्त्री स्त्री के प्रति रखने वाले हैं तो उनको रेस्वियन कहा जाता है यानी इसकी दो कैटेगरी बन जाती है बच्चा एक कैटेगरी बन जाती है गे की जी ए वाई और दूसरी कैटेगरी बन जाती है लेस्बियन की यही है समलैंगिकता का अर्थ अब हम दूसरा एक कर्म आपके सामने रखे हैं समलैंगिक विवाह का अर्थ मुझे नहीं लगता है कि इसको हमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है समलैंगिक विवाह का अर्थ जब समान लिंगों के बीच विवाह हो विवाह क्या है विवाह समाज का एक नियम है इसको समाज ने बनाया समाज के हम सभी लोग अपनी जरूरतों को बढ़िया से पूरा कर सके इसके लिए समाज ने कुछ नियमों और तरीकों की व्यवस्था को निर्मित किया और हमारी कई जरूरतें उनमें एक जरूरत है यौन संबंध स्थापित करने की अपने सेक्स की इच्छा को पूरा करने की बच्चा पैदा करने की साथ रहने की इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने समाज ने कुछ नियम बनाए और इन्हीं नियमों के समग्र को नाम दिया गया, गया मैरिज विवाह तो विवाह नियमों की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा दो लोग एक दूसरे के साथ सेक्स करने साथ रहने बच्चा पैदा करने के लिए समाज से मान्यता प्राप्त करते हैं ढेर सारे लोगों को बुलाते हैं उनके सामने निकाह कुबूल कुबूल या फिर सिंदूरदान सप्तपदी सात फेरे अलग अलग समाजों में विवाह के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पॉलिटिकली इन तरीकों को हम मैनेज करते और जब विवाह संपन्न हो जाता है तब वो दोनों आपस में सेक्स कर सकते हैं वो वैध संबंध माना जाता है बच्चा पैदा कर सकते हैं वो बच्चे वैध संतान माने जाते हैं लेकिन यदि बिना विवाह के अगर संबंध स्थापित करने पर अवैध संबंध माना जाता है बिना विवाह के बच्चा पैदा करने पर अवैध विवाह माना जाता है अवैध संतान माना जाता है उस बच्चे को बड़ा क्लियर है विवाह समाज द्वारा बनाया हुआ नियमों की व्यवस्था है पर बड़ा क्लियर है कि समाज ने जो सामान्य तौर पर देखा विषम लिंगियों के बीच आकर्षण यौन आकर्षण एट्रोसेक्सुअलिटी को देखा समाज ने चारों तरफ एट्रोसेक्सुअलिटी ही है हर व्यक्ति अपने लिंग के प्रति सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं रखता है विपरीत लिंग के प्रति सेक्सुअल ओरिएंटेशन रखता है समाज ने समझा कि यही नेचुरल परिणामतः समाज ने ऐसे ही लोगों को आपस में विवाह करने की अनुमति दी और समाज ने जो विवाह के बारे में नियम बनाया विवाह को जो डिफाइन किया मैरिज को प्रारंभिक डिफिनेशन मैरिज का यही है दो विषम लिंगियों के बीच सेक्स करने प्रजनन करने साथ रहने के लिए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु नियमों के समग्र को विवाह कर यही है विवाह लेकिन दुनिया के किसी भी समाज में समलिंगी विवाह को विवाह की अनुमति नहीं दी समलैंगिकों को विवाह की अनुमति नहीं दी लेकिन यदि समलैंगिकों को विवाह की अनुमति देती है अगर दो समलैंगिक विवाह करते हैं तो उसी को हम समलैंगिक विवाह के नाम से जानते हैं उसी को हम सेम सेक्स मैरिज के नाम से जानते हैं और यहां पर भी बच्चा हम वही चीज करेंगे यदि पुरुष पुरुष के बीच विवाह है तो इसको हम गे मैरिज कहते हैं और यदि स्त्री स्त्री के बीच विवाह है तो इसको हम लेस्बियन मैरिज की संज्ञा देते हैं यही है समलैंगिक विवाह समलैंगिक संबंध समलैंगिकता समलिंगी और समलैंगिक विवाह अब हम लोग पीछे में बाकी सब को भूल जाते हैं और दो घटनाओं पर अपने को फोकस करते हैं समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह और सबसे पहले समलैंगिकता पर हम चर्चा करते हैं और इस चर्चा में हम पाते हैं कि पूरी दुनिया में समलैंगिक संबंध रखने वाले लोगों को समलैंगिक टाइप के लोगों को हमारे परंपरागत समाज ने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया ये समलैंगिक दुनिया के सभी समाजों में विद्यमान रहे सभी कालों से विद्यमान रहे लेकिन समाज ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया सबसे पहले तो इनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पाती थी समाज ने इनके लिए कोई आइडेंटिटी निर्धारित नहीं की थी समाज ने पुरुष को कह दिया पुरुष और समाज ने कह दिया कि हे पुरुष तुम्हें स्त्री के साथ ही यौन संबंध स्थापित करना है यानी विवाह तुम्हें स्त्री के साथ ही करना पड़ेगा समाज ने हमारी पहचान स्त्री के रूप में कर दी हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर समाज ने हमें स्त्री माना हमें फीमेल माना पर समाज ने कहा कि हे फीमेल तुम्हें पुरुष के साथ विवाह करना होगा तुम्हें पुरुष के साथ सेक्स करना होगा समाज ने हमारी इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखा समाज ने मान लिया कि पूरे दुनिया के पुरुष महिलाओं के प्रति ही सेक्स रखते समाज ने मान लिया कि पूरी दुनिया की महिलाओं का सेक्स ओरिएंटेशन पुरुषों के प्रति ही होता है और समाज ने उन मुठ्ठी भर लोगों के बारे में नहीं सोचा जो फिजिकली तो पुरुष होते लेकिन उनका सेक्स ओरिएंटेशन महिलाओं के प्रति ना होकर के पुरुषों के प्रति होता समाज ने उनमुट्ठी भर लोगों के बारे में नहीं सोचा कि जो फिजिकली तो महिलाएं होती हैं लेकिन उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन महिलाओं के प्रति होता है पुरुषों के प्रति नहीं होता समाज ने इनके लिए कोई आइडेंटिटी निर्धारित नहीं की इसलिए आज अगर हम समलैंगिकों की समस्या की बात करते हैं इनके प्रॉब्लम्स की बात करते हैं बच्चा तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आइडेंटिटी क्राइसिस का इनकी कोई पहचान समाज ने निर्धारित नहीं रखी परिणाम जब इनको समाज ने रिकॉग्नाइज नहीं की तो बाकी लोग भी इनको साथ उपेक्षा का बर्ताव करेंगे समाज में इनको उपेक्षा का सामना करना पड़ता था हंसी मजाक का सामना करना पड़ता था एक पुरुष का अगर किसी पुरुष के साथ लड़के के साथ संबंध हो उसको छुपकर बनाना पड़ता था लड़की के साथ उसकी इच्छा ही नहीं होती थी और जब लड़की के साथ इच्छा हुई तो समाज उसको मान्यता नहीं देता था समाज आलोचना करता था परंपरागत समाजों में कई जगहों पर दंडित किया जाता था कई धर्म में इसको पाप के समकक्ष माना गया है संबंध रहा है बच्चा लेकिन इसको पाप के रूप में चिन्हित किया गया है और समाज में जब ये लोग उपेक्षा के शिकार होते थे तो इनको मानसिक तनाव और कुंठा का सामना भी करना पड़ता था ये बताने की जरूरत नहीं आपको। है आपको पुरुष हैं स्त्रियों के प्रति कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं पुरुषों के साथ संबंध बनाने का मन करता किसी ने देख लिया कोई अगर वैसा ही मिल गया मेरे टाइप का किसी ने देख लिया हंगामा मच गया अगर हम कमजोर हैं तो समाज ने हमारी पिटाई करी ना दिया ठहा लगाया जिधर निकलते थे लोग हंस देते थे क्योंकि तो हम जनरल से अलग थे अब अलग होने में मेरा कोई अपराध तो नहीं है और एक नैतिक समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जैसे असामान्य लोगों के प्रति एक सहानुभूति का भाव रखे उसको भी समाज में जीने का वही अधिकार दे जो सबको मिला हुआ है लेकिन समाज ने नहीं, नहीं दिया बच्चा परिणाम ऐसे लोगों को हर जगह हर समाज में मानसिक तनाव और कुंठा का सामना करना पड़ता था और पड़ता इनके साथ कई प्रकार का भेदभाव भी किया जाता कई रूपों में इनका शोषण भी किया जाता कई जगहों पर इनके साथ मारपीट और हत्या की घटनाएं भी देखी जाती रही इसे दुनिया के सभी समाजों में समलैंगिक बेचारे उपेक्षा का शिकार रहे हैं कई तरह के उपेक्षा का शिकार रहे हैं कई तरह के शोषण का शिकार रहे हैं कई रूपों में ये प्रताड़ित होते रहे हैं अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ये समाज का एक असामान्य है लेकिन असामान्य के साथ साथ एक कमजोर तबका बन गया है ये एक सोशली एक्सक्लूजन क्लास का एक सदस्य बनकर रह गया और सोशली ही नहीं इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हर क्षेत्र में ये एक्सक्लूडेड क्लास हो जाता वंचित कर देता है समाज इसको और इन सभी घटनाओं ने बच्चा इनके साथ इन सभी घटनाएं हर जगह रही है समलैंगिक भी हर जगह विद्यमान रहे हैं और समलैंगिकों के साथ समस्याएं भी हर जगह विद्यमान रही है अगर हम इन सी समलैंगिकों पर विश्व में देखते हैं समलैंगिकता की अगर हम विश्व में स्थिति देखते हैं तो दुनिया के सभी समाजों में मैंने कहा सभी परंपरागत समाजों में इस तरह के लोग रहे हैं जब पूरे यूरोप में धर्म प्रधान समाज की जगह तर्क और विज्ञान प्रधान समाज का उद्भव हुआ तर्क और विज्ञान प्रधान समाज ने जब मानव समाज और सामाजिक मान्यताओं का तर्कसंगत विश्लेषण करना प्रस्तुत किया तो लोगों को समझ में आया समाज को समझ में आया कि समाज के केंद्र में ईश्वर नहीं मानव है और समाज का प्रत्येक नियम समाज के प्रत्येक मूल्य प्रत्येक मान्यताएं मानव की भलाई को केंद्र में रखकर बनाया जाना चाहिए मानव की गरिमा और प्रतिष्ठा को केंद्र में रखकर के बनाया जाना चाहिए इस तरह से मानवतावाद का जन्म हुआ लोग मानव के बारे में सोचने लगे और परंपरागत समाज की उन सभी चीजों की निंदा होने लगी जो मानवतावाद के विरुद्ध थी स्वतंत्रता समानता और सामाजिक न्याय के मूल्य सामाजिक मूल्य के रूप में स्थापित किए गए और हर तरह की परंपरागत असमानताओं का विरोध शुरू हुआ पहले परंपरागत राजनीतिक असमानता का विरोध शुरू हुआ पूरे दुनिया में लिंग असमानता का विरोध शुरू हुआ भारत में जातीय समानता का अन्य देशों में प्रजातीय समानता का विरोध शुरू हुआ और एक समतामूलक समाज की स्थापना पर बल दिया गया एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल दिया गया जहां सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार हो एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल दिया गया जहां सबको सामाजिक न्याय से युक्त जीवन जीने का अधिकार हो पूरी दुनिया में एक मूवमेंट शुरू होता है और एक परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की दिशा में निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और धीरे धीरे राजनीतिक समानता सामाजिक समानता आर्थिक समानता पर बल देते हुए समाज आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते समाज बीसवीं सदी के मध्यांत तक आता है 1950 के बाद अब समाज में कुछ अन्य लोगों की चिंताएं भी सताने लगती है चलो महिलाओं को अधिकार दे दिया गया क्योंकि 1950 तक आते आते दुनिया में हर जगह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना हो जाती है बच्चा दुनिया के लगभग सभी समाजों में स्वतंत्रता समानता और सामाजिक न्याय को केंद्र में रख करके नागरिक अधिकारों की स्थापना की जाती है हमारे यहां फंडामेंटल राइट्स बनाए जाते हैं आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल सिक्सटीन से लेकर ढेर सारे अनुच्छेदों के माध्यम से हमें सभी व्यक्तियों की समानता को निर्धारित किया जाता है तो स्वतंत्रता को निर्धारित किया जाता है उनका मौलिक अधिकार माना जाता है राज्य को निर्देश दिया जाता है राज्य आप जनता के द्वारा चुने गए हो इसलिए जनता के हित में काम करना आपका धर्म है और जनता का हित यही है कि आप जनता के इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करो इनको प्रदान करवाओ भारत में नहीं पूरे दुनिया में ये तो बेसिक काम हमने कर लिया 1950 के बाद अब हमें उन अन्य लोगों के अधिकारों की तरफ हमारा ध्यान गया समाज का ध्यान गया जिनको अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया था किन्नर ट्रांसजेंडर होमोसेक्सुअल वृद्ध बच्चे मेरी बात समझ में आ रही समाज में और भी बहुत सारे लोग थे जो समाज के मुख्य धारा से बाहर थे हाशिए पर थे उनके लिए अब समाज ने चिंता करनी शुरू की वो लोग भी अब अपने अपने अधिकारों को लेकर के संगठित होकर के आंदोलन करना शुरू करते हैं और इसी क्रम में विश्व के देशों में भी समलैंगिक लोगों के द्वारा भी अपने अधिकारों को लेकर के आंदोलन की शुरुआत होती है तो क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि चाहे वो ट्रांसजेंडर हो चाहे वो समलैंगिक हो परंपरागत, धर्म के अंतर्गत खराब माना जाता था गलत माना जाता था रिकोग्निशन नहीं थी परंपरागत समाजों में भी रिकोग्निशन नहीं थी मान्यता नहीं मिली हुई थी और इन समलैंगिकों द्वारा अपने अधिकार को लेकर के आंदोलन करने की कहानी शुरू होती है 1969 में न्यूयॉर्क के वॉल दंगा के पास न्यूयॉर्क में समलैंगिक लोग एक जगह इकट्ठे होते थे और आपस में कुछ समलैंगिक संबंधों को एंजॉय करते थे लेकिन वो काम छुपकर करते थे कि समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता नहीं मिली हुई थी इसलिए इन्हें पुलिस बहुत प्रताड़ित करती थी और 1969 में यही घटना हुई वॉल में सारे समलैंगिक एकत्रित हुए थे पुलिस ने छापा मारा और पुलिस ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि उनके सब्र का बांध टूट गया और ये सारे समलैंगिक सड़क पर आ गए और अपने अधिकार को लेकर के मांग करनी शुरू कर दी इन समलैंगिकों के साथ बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर भी आ गए सभी आ गए और इन्होंने न्यूयॉर्क में अपना एक परेड रखा इन्होंने पहली बार समाज के सामने जाकर कहा हमें गर्व है हम समलैंगिक हैं। इस बात के लिए हमें अफसोस नहीं है समाज हमें गलत कह करके हमारे अंदर हीन भावना इंजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है इन्होंने प्राइड परेड का आयोजन किया और इन्होंने अपने अधिकारों को लेकर के लड़ना शुरू किया और यही से विश्व में एलजीबीटी अधिकार आंदोलन की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे क्रमशः दुनिया के देशों में कई देशों में समलैंगिक संबंधों को मान्यता दिया जाने लगता है समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज किया जाने लगता है। और फिर धीरे धीरे समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज करने के बाद समलैंगिक विवाह को भी मान्यता देने की मांग उठने लगती है और पश्चिमी देश समलैंगिक विवाह को भी मान्यता देना शुरू करता मैं अभी अभी यूरोप गया हुआ था कुछ दिन पहले मैं वियाना में गया मैं सड़क क्रॉस कर रहा था और जहां पर भी सड़क को क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है लाइनिंग सफेद हमारे यहां भी बनाया जाता है अब दिल्ली में कहीं पर भी देख सकते हो एक सफेद पट्टी ऐसे लाइन खींच के बनाई जाती है और अपेक्षा की जाती है वो लाइट होता है लाइन के पहले गाड़ियां रुक जाती है और उसी पट्टी के ऊपर से होते हुए लोग रोड को क्रॉस करते हैं मैंने देखा में हर जगह कई जगह जो रोड को क्रॉस करने के लिए पट्टियां बनाई गई वो सात रंग में पट्टियां बनाई गई हमें समझ में नहीं आया कि सातों रंग में पट्टियां क्यों बनाई गई भाई तो समझ में आया कि ये सब एलजीबीटी अधिकार आंदोलन के फेवर में सरकार ने ऐसा किया ये उनकी एक आइडेंटिटी है ये उनकी एक आइडेंटिटी है इस तरीके से पूरे विश्व में एलजीबीटी अधिकार आंदोलन शुरू हुआ धीरे धीरे सरकार ने उनको मान्यता देनी शुरू की 2001 में नीदरलैंड वो पहला देश था जिसने एलजीबीटी सॉरी समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर दिया समलैंगिक संबंधों को मान्यता तो और मिल गई पहले से भी लेकिन समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करने वाला पहला देश 2001 में नीदरलैंड था तेरह दिसंबर 2022 को पीछे भी मैंने चर्चा किया द रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज एक्ट अमेरिका में पारित किया गया और अमेरिका में भी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया जिस पर जो बाइडेन का मैंने एक स्टेटमेंट आपको कोटेशन कोट किया था तेरह दिसंबर 2022 और यदि हम आज की बात करें मार्च 2023 आज तक तो नहीं आएंगे मार्च 2023 तक पूरे दुनिया में चौतीस देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई है पूरे दुनिया में चौतीस देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई है और इन मान्यता देने वालों में नीदरलैंड पहला है जो 2001 में मान्यता दिया है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है बच्चा कि एक तरफ दुनिया में समलैंगिक अधिकार आंदोलन के तहत समलैंगिकों को उनका अधिकार सरकार दे रही है तो दूसरी तरफ आज भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखे हुए हैं समलैंगिक विवाह को लीगलाइज नहीं किया गया भारत में अभी तक समलैंगिक विवाह को लीगलाइज नहीं किया गया 2018 में भारत को समलैंगिकता को लीगलाइज किया गया समलैंगिक संबंध को लीगलाइज किया गया समलैंगिक विवाह अभी भी लीगलाइज नहीं दुनिया के कई ऐसे देश खास करके पश्चिम एशिया के देश इस्लामिक कंट्री एक डेटा मैंने आपके सामने रखा है 1979 से मार्च 2023 तक ईरान में 4000 हजार समलैंगिकों को फांसी दी गई ईरान में 4000 हजार समलैंगिकों को फांसी दी गई बताता है कि अभी समाज में समलैंगिक अधिकार आंदोलन जारी रहेगा दुनिया के देशों में अभी भी इनको प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया यह है समलैंगिकों पर विश्व की स्थिति अगर हम भारत में बात करते हैं समलैंगिकों की स्थिति पर तो भारत में भी समलैंगिकता ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रहा है भारत में भी समलैंगिकता ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रहा है भारत में भी समलैंगिकता ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रहा है हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है का मतलब है कि विद्यमान रहा है इस बात के लिए मैं एक संदर्भ आपके सामने मैंने रखा है एक श्लोक मैंने आपके सामने रखा है हताहंस इति के केनापी भारत तत्वा तत डिंबको राजन यमुनाम भस्या मज्जत बिना हंसेन लोकेस्मिन ना जीवित मुत्साह मतिमामास्थाये दिंभ को निधनम ग महाभारत का श्लोक है सभा पर्व का श्लोक है चौदाहवा अध्याय में इस श्लोक की चर्चा की गई अभी यह श्लोक में चर्चा का विषय रहा समलैंगिक विवाह पर जब बहस चल रही थी तो हमारे संघ प्रमुख ने इस श्लोक की चर्चा करी एक संदर्भ है महाभारत का पाटलिपुत्रा के राजा जरासंध के दो सेनापति थे हंस और डिंबिक डिंबक, हंस और डिंबक ये दोनों इतने बहादुर सेनापति थे कि किसी भी युद्ध में विजयी होते थे और ये मथुरा पर सत्रह बार इन्होंने होने चाहे करी सत्रहवीं बार श्री कृष्ण ने एक कंस के ससुर थे जरासंध हमारे महाभारत में इनका उल्लेख है जरासंध जो थे वो कंस के ससुर थे कंस मामा नाम सुना होगा आपने बहुत बड़े वीर थे युद्धा थे महाभारत में कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि यदि जरासंध और उनके दोनों सेनापति होते तो पूरे विश्व का विजेता वही होते ये कृष्ण का संदर्भ है कृष्ण ने इस युद्ध में जरासंध को हराने के लिए एक तरीका अख्तियार किया एक अफवाह फैलाया और अफवाह में एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ गया कि हंस मारा गया हंस मारा गया हंस मारा गया हंस मारा गया का अफवाह सुनकर के जो दूसरा सेनापति डिंबक था उसने जमुना में छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करते समय यह कहा कि जब हंस नहीं है तो उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है और वो जमुना में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली और जब डिंबक ने आत्महत्या करी और यह खबर हंस को मिली तो दूसरा सेनापति हंस ने भी जमुना में कूद करके आत्महत्या कर ली दोनों सेनापति मारे गए दोनों पुरुष थे दोनों जरासंध के सेनापति थे और दोनों के मध्य संबंधों को समलैंगिक संबंध के रूप में चर्चाएं की जाती और कहा जाता है कि इस समय भी इनके बीच भी समलैंगिक संबंध था मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे ऐतिहासिक रूप से भी ऐसे लोग रहे हैं हमारे समाज में ऐसे लोगों को जाना है लेकिन समाज ने इस तरह के संबंधों को मान्यता नहीं दिया है हमारे परंपरागत समाज में इस तरह के संबंधों को अप्राकृतिक संबंध की श्रेणी में रखा जाता था और प्राकृतिक संबंध की श्रेणी में रखा जाता था अमीर खुसरो लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था मलिक कापूर और अलाउद्दीन खिलजी का उसके साथ समलैंगिक संबंध था ये कोई नई घटना नहीं है हिस्टोरिकली हमारे भारत में विद्यमान रही है लेकिन ध्यान रखने की बात है कि भारत में कभी भी इसको सोशली रिकोरवाई नहीं किया इसको मान्यता नहीं दी गई इसको पाप माना गया इसको मानसिक विकृति का परिणाम माना गया ऐसे लोग समाज में दबे रहे कई समलैंगिक की शादी विषमलिंगी से हो गई दोनों की जिंदगी तबाह हुई दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई एक पुरुष समलिंगी था स्त्री के प्रति कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं था लेकिन समाज के दबाव में उसे लड़की से शादी करनी पड़ी दोनों की जिंदगी तबाह एक लड़की समलिंगी थी लेकिन वो किससे कहे हमारे समाज का इतना बड़ा प्रेशर था तो नहीं कह पाती थी विषमलिंगी से समाज के दबाव में शादी करनी पड़ी दोनों की जिंदगियां तबाह हो गई तो समाज ऐसे संबंधों को मानसिक विकृति मानता था पाप मानता था यह ध्यान रखने वाली बात है बच्चा कि दुनिया के सभी समाजों में राजतंत्र से जब लोकतंत्र की दिशा में बदलाव आया दुनिया के सभी लोकतांत्रिक राज्यों में जो प्रारंभिक कानून बनाया गया केंद्र में तो आधुनिकता के मूल्य रहे स्वतंत्रता समानता सामाजिक न्याय के मूल्य रहे लेकिन याद रखने वाली बात है कि इन प्रारंभिक कानून पर परंपरा का प्रभाव बना रहा धर्म का प्रभाव बना रहा इसलिए दुनिया के सभी देशों में जो शुरुआत के कानून थे उस कानून में भी समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज नहीं किया गया था उस कानून में भी समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई थी इंग्लैंड में 1861 में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया था और भारत पर अंग्रेजों का शासन था आईपीसी की धारा को 1861 में अंग्रेजों ने भारत में लागू किया था और भारत में आईपीसी की धारा तीन सौ के तहत इस तरह के संबंधों को गे रिलेशन को रिस्पियन रिलेशन को समलैंगिक संबंधों को प्रकृति विरुद्ध माना गया और इसे घोर अपराध की श्रेणी में रखा गया और इसका उल्लंघन करने वालों को आजीवन कारावास तक के दंड की सजा दी गई आजादी के बाद आईपीसी की धारा कंटिन्यू रही और आजादी के बाद भी इस तरह के संबंधों को प्रकृति विरुद्ध संबंध माना गया अगर पुरुष पुरुष के साथ संबंध स्थापित करता है यह प्रकृति विरुद्ध संबंध माना गया अब ध्यान देना बच्चा अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका थोड़ा ब्रॉड डेफिनेशन है इसमें और कई चीजें आती एक पुरुष यदि अपने पत्नी के साथ भी कुछ इस तरह का यौन संबंध स्थापित करता है जो नेचुरल प्रोसेस नहीं है उसको भी अननेचुरल अननेचुरल, अननेचुरल माना जाता है और 377 के प्रोविजन उस पर भी लागू होता है तो प्रकृति विरुद्ध अपराध ऑफेंसेस में कुछ कैटेगरी है उसमें एक है समलैंगिक संबंध और थ्री सेवन के तहत समलैंगिक संबंध अपराध माना गया था कठोर अपराध और इसके लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई देश आजाद हुआ इसी कानून के तहत कई लोगों को जेल भेज दिया जाता था उधर साठ के दशक में अमेरिका में समलैंगिक अधिकार आंदोलन शुरू हो चुका था और इधर भारत में भी देखा गया 1970-1980 में दोनों दो घटनाएं देखो साथ साथ चल रही है संचार का जुग धीरे धीरे बढ़ता चला गया वहां की खबरें भारत में भी आने लगी और इधर भारत में 377 का मिसयूज हो रहा इस कानून का उपयोग लोग दूसरे को फंसाने के लिए कर रहे थे किसी से बदला लेने के लिए कर रहे थे एक लड़के ने किसी पुरुष के ऊपर यह इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने हमारे साथ संबंध स्थापित किया जबरन किया चिंता का विषय था इधर उन्नीस सौ इक्यानवे के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है हम ग्लोबल वर्ल्ड में इंटर करते हैं और उन्नीस में पहली बार भारत में समलैंगिक अधिकार आंदोलन की बात उठाई जाती है इन 1992 इन 1992 नाइनटी टू उन्नीस सौ याद रखने वाली बात है उन्नीस में एक और घटना घटित होती है तिहाड़ जेल में अचानक एड्स पेशेंट की संख्या बढ़ जाती है बहुत तेजी से बढ़ती है। और इस एड्स के बढ़ने का कारण वहां पर समलैंगिक संबंध है लेकिन किनके किनके भी समलैंगिक संबंध है क्या है क्यों है कोई बताने को तैयार नहीं था क्योंकि तो समलैंगिक संबंध रखना अपराध था ऐसा महसूस किया जाता है अगर इस तरह से लोग छुपा के रखेंगे तो एड्स जैसी बीमारियों का खात्मा करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा पहली बार फर्स्ट टाइम इन नाइनटीन आईपीसी की धारा तीन को कोर्ट में चुनौती दी गई कोर्ट में चुनौती दी गई इधर 2001 में एक महिला ने दो घटनाएं दो में घटित होती है एक तरफ एक महिला ने एड्स पेशेंट के लिए काम करने के लिए एक एनजीओ की एक ट्रस्ट की स्थापना की थी जिसको नाज फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है और एड्स पेशेंट पर काम करने के लिए समलैंगिकता उसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाती है और दूसरी तरफ 2001 में भारत में पहला समलैंगिक विवाह संपन्न किया जाता है छत्तीसगढ़ में समाज में अवेयरनेस आना शुरू हो चुका है बच्चा और 2001 में ही नाज फाउंडेशन के द्वारा 377 को हटाने के लिए पीआईएल डाला जाता नाज फाउंडेशन जनहित याचिका इस तर्क के आधार पर डालती है कि एड्स बीमारी एचआई भी का एक बहुत बड़ा कारण समलैंगिक संबंध है और भारत में समलैंगिक संबंध 377 के तहत जघन्य अपराध है अपराध की श्रेणी में गंभीर अपराध की श्रेणी में थ्री सेवेंटी सेवन को निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे लोग खुलकर अपनी समस्याओं को एड्स संबंधी समस्याओं को कहने के लिए सामने नहीं आएंगे ऐसे लोगों की पहचान करना मुश्किल होगा फिर उनका इलाज कैसे हो पाएगा? फाउंडेशन 2001 में सेवन को हटाने के लिए पीआईएल डालती और नाज फाउंडेशन के ही पी पर दो में दिल्ली हाईकोर्ट का एक डिसीजन आता है बच्चा दो में दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन आता है और दिल्ली कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 377 को निरस्त कर दिया ध्यान रखने वाली बात क्या है ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिल्ली कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट थ्री सेवेंटी सेवन को असंवैधानिक करार देती है दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है यह धारा इसलिए इसको निरस्त किया परिणाम दिल्ली हाई कोर्ट नाज फाउंडेशन का जो तर्क होता है हाँ, हाँ, हाँ कोर्ट डिसीजन देते समय कहती है इंडियन कोर्ट डी क्रिमिनलाइज ये 2009 2 दो जुलाई 2009 का दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है इंडियन कोर्ट डी क्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी इन दिल्ली द दिल्ली हाँ कोर्ट रूल डैट ट्रीटिंग कंसेंसुअल गे सिक्स एज ए क्राइम वॉज ए वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर दो वयस्क सहमति से सेक्सुअल रिलेशन अपनाते हैं ये उनका अधिकार है और थ्री सेवेंटी सेवन उनके अधिकारों का जो अधिकार संविधान देता है ज वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड बाय इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 377 जो है वो भारतीय संविधान में लोगों के मौलिक अधिकार के विपरीत है वायोलेशन है इसलिए इसको निरस्त किया जाए दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय जैसे ही आता है भारत में दो वर्ग होते हैं एक तो वो एलजीबीटी लोग क्योंकि तो ध्यान देने वाली बात है कि एलजीबीटी अधिकार आंदोलन की बात इसलिए इसमें समलैंगिक संबंधों को भी केवल मान्यता नहीं दी गई इसमें केवल समलैंगिक संबंधों को ही इसके माध्यम से लीगलाइज़ नहीं किया गया थ्री को निरस्त कर दिया गया भारत में जो भी एलजीबीटी अधिकार आंदोलन के पे वे लोग थे जो सामान्य नहीं मुठ्ठी भर असामान्य लोगों में शामिल थे चाहे वो गे हो चाहे वो लेस्बियन हो चाहे वो ट्रांसजेंडर सभी लोगों ने मिलकर के इस पर जश्न मनाया कि एक लड़ाई हमने जीत ली उन्होंने खुशियां मनाया मिठाई बांटी यह बात अलग है कि दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय केवल दिल्ली के लिए ही था भारत के अन्य राज्यों पर लागू नहीं हो रहा था लेकिन जीत उनकी हुई थी कम से कम उनकी बातों को सुना गया था उनके पक्षों को सुना गया था दिल्ली हाईकोर्ट ने माना था कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है तो दूसरी तरफ भारत के वैसे संगठन भी इसके दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के विपरीत उठ खड़े हुए और उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू किया उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है सही नहीं है भारत में इस तरह की चीजों को लीगलाइज नहीं करना चाहिए हमारी परंपरागत समाज हमारी परंपरागत विखंडित हो जाएगी भारत में समलैंगिक संबंधों को मान्यता देना भारत में समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज करना कहीं से भी उचित नहीं है इस तरह के संबंधों को रोकना चाहिए अगर कोर्ट इस तरह के संबंधों को लीगलाइज करने लगे तो भारत में हमारी जो परंपरागत संस्कृति है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी विखंडित हो जाएगी कहने का मतलब है कि इनके विरोधियों का एक वर्ग भी आ खड़ा हुआ एक तरफ एल अधिकार आंदोलन और उसके समर्थक वर्ग कुछ और लोग भी थे जो तो स्वयं उस कैटेगरी के नहीं थे हम लोगों की तरह सामान्य थे लेकिन समलैंगिकों के अधिकारों के पक्ष में वो खड़े थे मानवतावादी सोच के साथ वो चाहते थे कि इन लोगों का अधिकार इनको मिलना चाहिए समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज किया जाना चाहिए विरोधी कहते थे हमारा समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है हमारी समाज की सोच अभी इतनी खुली नहीं हुई है कि महेंद्र आके कहे अपने माता पिता से कि पिताजी यह है आपकी बहू गजेंद्र सिंह महेंद्र सिंह आकर के अपने माता पिता से कहे कि मम्मी पापा ये है आपकी बहू गजेंद्र सिंह या सावित्री आकर के अपने मां बाप से कहे कि मम्मी पापा गीता ये है गीता आपका दमाद ये है सीता आपका दमाद हमारा समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है इस तरह की घटनाओं को हमारा समाज झेल नहीं पाएगा हमारा समाज विखंडित हो जाएगा समाज और संस्कृति के कीमत पर किसी के फंडामेंटल राइट्स को प्रदान नहीं किया जाना चाहिए हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स तो है लेकिन फंडामेंटल राइट्स एब नहीं है हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को समाज की कीमत पर देने की वकालत नहीं करता है अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को समाज के भला के लिए छीनना पड़े तो हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है आपका फंडामेंटल राइट्स से कहीं भी आ जा सकते हो लेकिन समाज की भलाई के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है 144 लागू कर दिया जाता है आपके आने जाने के अधिकारों को रोक दिया जाता है संविधान सम्मत है बहुत बहुत सारे सारे लोगों ने सारे तर्कों के माध्यम से समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज करने का विरोध करना शुरू कर दिया भारत में एक लंबी बहस उभर कर आई दूसरी तरफ विधि आयोग हमारा जो विधि आयोग है वो अपनी सौ बहत्तरवी रिपोर्ट जारी करता है 2012 में और एक सौ बहत्तरवी रिपोर्ट में वह भी कहता है कि समलैंगिकता होमो को होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए भाई इसको अपराध मानने का कोई लॉजिक नहीं है आजीवन कारावास दे दिया जाए क्या मतलब है भाई अगर कोई समलैंगिक है उसके मन में पुरुष है और उसके मन में स्त्री के प्रति कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता ही नहीं है वो पुरुष है पुरुष के प्रति ही उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है आप उसको आजीवन कारावास दे रहे हो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है कहीं से भी मानवीय नहीं है इसमें उसका क्या दोष है हमारे समाज को हमारी सरकार को उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए विधि आयोग ने भी समलैंगिकता को थ्री सेवेंटी सेवन के तहत जो अपराध माना गया था उसको अपराध मुक्त करने का सिफारिश करी इधर नाज फाउंडेशन एक केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसके अगेंस्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उस केस पर नाज फाउंडेशन वाले केस पर और 377 को फिर से बहाल कर दिया 2013 हजार तेरह समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट का दोबारा निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने 377 को फिर से बहाल कर दिया मतलब मतलब 377 सेवेंटी सेवन विल कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली कोर्ट ने 377 को संविधान विरोधी बताया संवैधानिक बताया जिसका कोई आधार नहीं है और इस पर निर्णय पार्लियामेंट लेगा सो so, सो so, 377 सेवेंटी सेवन विल कंटिन्यू मतलब मतलब आज से समलैंगिक संबंध बनाना अपराध ही माना जाएगा जो कल तक माना जा रहा था आज भी माना जाए समलैंगिक अधिकार आंदोलन के पक्षधरों का चेहरा उदास हो गया भारत में जो समलैंगिकता विरोधी गुप्त था उन्होंने जश्न मनाया सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड दिल्ली कोर्ट वर्डिक्ट डी क्रिमिलाइजिंग गे सेक्स सेक्शन थ्री सेवनटी सेवन विच वर्ल्ड सेम सेक्स रिलेशन अन्यचुरल डज नॉट सफर फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनिटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन अ मेजर सेट बैक टू गे राइट एक्टिविस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन विडनेस डे हेल्ड दैट होमोसेक्सुअलिटी और अननेचुरल सेक्स बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट अंडर सेक्शन थ्री सेवनटी सेवन ऑफ द इंडियन पैनल कोड इज इलीगल एंड विल कंटिन्यू ज इलीगल इज इलीगल एंड विल कंटिन्यू टू बी एन ऑफेंस दिस प्रोविजन डिड नॉट सफर फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मिलिटी फिर से थ्री सेवेंटी सेवन कंटिन्यू हुआ बच्चा बट समाज में तो एक बहस छिड़ चुकी थी दुनिया के समाजों में भी बहस सिर चुकी थी और दुनिया में पश्चिमी देश लगातार समलैंगिकता को लीगलाइज करते जा रहे थे समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करते जा रहे थे 2015 में शशि थरूर भारतीय संसद में एक निजी विधेयक पेश करते हैं समलैंगिकता को लीगलाइज करने के 2015 में शशि थरू नाम सुना होगा आपके कांग्रेस के जाने माने थ्री सेवेंटी सेवन को निरस्त करने के लिए एक निजी विधेयक पेश करते और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस प्रस्ताव के पक्ष में मात्र 14 वोट पड़ता और विपक्ष में अंठावन वोट पड़ता है संसद में वे बैठते हैं जो हमारे भारतीय समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और यह वोटिंग का रिजल्ट है यह बता रहा है कि हमारा भारतीय समाज अभी भी समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज करने की सोच विकसित नहीं कर पाया हमारा भारतीय समाज आज भी समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने के पक्ष में सोचने को तैयार नहीं है हमारा भारतीय समाज अभी इस ऐसे यौन नैतिकता के संदर्भ में इतना ओपन नहीं हुआ है बच्चा कि वो महेंद्र सिंह की पत्नी के रूप में गजेंद्र सिंह को स्वीकार करे गीता की पत्नी के रूप में पति के रूप में सीता को स्वीकार करे हमारा समाज अभी इतना खुला नहीं हुआ है मां बाप को लगेगा कि हम कैसे जिए क्या कर ली हमारी कुलक्षणी बेटी ने हमने सोचा था कोई अच्छा दमाद इंजीनियर डॉक्टर आईएएस आईपीएस लेकर के आएंगे ये तो लड़की लेकर के आ गई अगल बगल को क्या मुंह दिखाएंगे आप सोचो आप भी इसी समाज में रह रहे हो क्या हमारा समाज इतना खुला हो चुका है अभी नहीं हुआ है क्या हमारा समाज इतना तैयार है नहीं है लोग सुसाइड कर ले इस तरह के बच्चों की हरकत को देख करके डाले बच्चों को लड़के ने लड़के से शादी कर ली हमारा समाज नहीं तैयार होगा बच्चा यही कारण है कि समाज में बहुत से संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू किया लेकिन हमेशा परिवर्तन परंपरा से आधुनिकता की ओर होना चाहिए यह भी एक तथ्य स्वतंत्रता तो समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर हमने अपने परिवर्तन और अपने समाज को आधारित करने का निर्णय नाइनटीन में ले रखा भले ही शशि थरूर का निजी विधेयक गिर गया इसके पक्ष में नहीं लोग खड़े हुए लेकिन एलजीबीटी अधिकार आंदोलन आगे बढ़ता रहा और इसी बीच इसी बीच अगस्त 2017 में एक और घटना घटी बच्चा ये घटना घटी नौ जजों की बेंच ने नौ जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया अगस्त 2017 को नौ जजों की बेंच ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया और उस जजमेंट में प्राइवेसी को राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स मान लिया गया इन जजों की बेंच ने कहा कि जो निजता का अधिकार है जो राइट टू प्राइवेसी है ये हर व्यक्ति का अपनी प्राइवेसी है हर व्यक्ति को कुछ चीजें अपना प्राइवेट रखने का अधिकार है इस पर समाज का नियम नहीं चलेगा और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स अरे भाई समाज अपने नियम और कानून को वहां लागू करे जिससे समाज को लपा और नुकसान होता कुछ मामले हमारे निजी होते अब हम किससे दोस्ती करें क्या समाज या कानून ये डिसाइड करेगा करना चाहिए किसके प्रति हम सम्मान प्रदर्शित करें ये समाज या कानून डिसाइड करना चाहिए करेगा कुछ मामले हमारे निजी हैं नौ जजों की बेंच ने कहा राइट टू प्राइवेसी इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स निजता का अधिकार मौलिक अधिकार का ही है। और यहीं पर बात आई सेक्सुअल ओरिएंटेशन की और हुआ कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है हर व्यक्ति को इसके प्रति सेक्सुअल ओरिएंटेशन होना है ये उसका निजी मामला ये उसका निजी मामला है ये उसका फंडामेंटल राइट्स इसने भी हमारे देश में समलैंगिक अधिकार को मान्यता देने की समलैंगिकता को मान्यता देने की बात को तेज कर दिया और जब समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने की बात को तेज हुआ तो फाइनली बच्चा 2018 6 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पांच जजों की बेंच ने दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच जजों की बेंच ने जिसमें दीपक मिश्रा थे चंद्रचूड़ सिंह थे चंद्रचूड़ इंदु मल्होत्रा थी तीसरी जज नौरीम जी चौथे जज थे पांचवां जज मुझे याद नहीं है इस पांच जजों की बेंच ने फाइनली समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। ध्यान रखना 377 को नहीं हटाया 377 है उसके अंतर्गत बाकी जो कृत्य है आपके अपराध माने जाएंगे जो प्रकृति विरुद्ध है लेकिन उसमें से समलैंगिकता को हटा दिया यानी समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंध को अब अपराध नहीं माना जाएगा आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंध को अब अपराध नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने छह दिस सेप्टेंबर को सुप्रीम कोर्ट डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी ऑन जुलाई टेन टू थाउजेंड एटीन द फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉमेंस इज हियरिंग ऑन बैच ऑफ प्लीज फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स टू द सुप्रीम कोर्ट Thursday part ऑन Section 377 of the IPC ऑफ द आईपीसी consensual डेल्ट sex. गे सेक्स बार बार आ रहा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है पुरुष पुरुष संबंध रखने वाले को गे कहा जाता है बच्चा लेकिन कई बार गे समलैंगिकों के लिए होलिस्टिक गे शब्द यूज किया जाता है और कई जगहों पर यह शब्द आपको मिलेगा पूरे समलैंगिकों के लिए समलैंगिक संबंध के लिए गे सेक्स शब्द यूज कर दिया ये यह एक हिस्टोरिकल डिसीजन था और यही से भारत में समलैंगिक संबंध रखने वालों को लीगलाइज कर दिया आज के डेट में यानी आज के डेट में का मतलब हुआ 6 सितंबर 2018 से आज और आगे भी अगर कोई दो पुरुष आपस में सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है वो अपराध नहीं माना जाएगा दो महिलाएं आपस में सेक्सुअल रिलेशन रखती रखती है साथ में रखती है वो अपराध नहीं माना जाएगा ठीक है ये सब हो गया अब कहा जाता है समलैंगिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब हम लोगों को छुप कर समलैंगिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं होगी अब हमें कानून के द्वारा वैधानिक मान्यता मिल गई है धीरे धीरे सोसाइटी भी हमें रिकॉग्नाइज करेगी अब हम अपने इच्छा से जिसको चाहते हैं जिसको प्यार करते हैं जिसको मोहब्बत करते हैं उसके साथ हम रह सकते हैं हम समाज को भी बता सकते हैं कि गजेंद्र सिंह इज माय लव अब महेंद्र को समाज को बताने में हिचकिचाहट नहीं होगी कि गजेंद्र सिंह ही मेरा प्यार है मेरी मोहब्बत या गीता को समाज को यह बताने में अब परहेज नहीं होगा कि सीता ही मेरा प्यार है मेरा लव है अब दोनों साथ में भी रह सकते हैं। दोनों बिल्कुल साथ रहेंगे समाज के दबाव में अगर एक गे एक लड़की से शादी करते और जीवन भर उसके साथ रहना पड़ता है उसे वो जीवन भर उसके लिए घुटन है सोचो उसको कितनी प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा उस लड़की का क्या होगा या फिर कोई लेस्बियन जो तो लड़की के साथ रहना चाहती समाज के दबाव में उसे लड़के से शादी कर दिया जाता है और जीवन भर उसे लड़की के साथ बिताना पड़ता है सोचो उसकी मानसिक हालत कैसी होगी और जिस लड़के की ऐसी पत्नी मिली हो उसका क्या हाल होगा अब कम से कम गे या लेस्बियन जो भी है वो अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ अपने पसंदीदा जोड़े के साथ संबंध भी बना सकता है और साथ साथ रह भी सकता है यह अपराध नहीं माना जाएगा बड़ा अच्छा है ये तो कर दिया गया बच्चा अब यही से एक नया मुद्दा उभर कर सामने आया भारत में भी दुनिया के देशों में चल ही रहा था समलैंगिकता को तो लीगलाइज कर दिया गया अब समलैंगिक विवाह को भी सरकार माने समलैंगिक विवाह को भी सरकार माने अब आपको लग रहा होगा कि समलैंगिकता को जब मान्यता दे दी गई तो समलैंगिक विवाह के लिए क्यों लड़ रहे हो यार जब समलैंगिकता को समलैंगिक मान्यता दे दी गई तो विवाह के लिए क्यों लड़ रहे हो बट इनका लड़ना लाजिमी था लाजिमी इसलिए था कि समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज होने के बाद चलो ये समलैंगिक जोड़े बनाकर के अपना फ्लैट लेकर के साथ साथ रह सकते हैं दोनों कमाएंगे या एक कमाएगा एक खाएगा दोनों साथ रहेंगे दोनों प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे लेकिन बहुत सारी उलझनें बनी हुई थी अगर मान लो दोनों साथ रह रहे हैं तो साथ रहने के बावजूद ये गोद नहीं ले सकते कोई बच्चा तो पैदा कर नहीं सकते परिवार का निर्माण और अपने बुढ़ापे के लिए एक बच्चे को गोद तो ले सकते हैं गोद लेने का अधिकार इनको नहीं था इनको सरोगेसी का अधिकार नहीं है एडॉप्शन रेगुलेशन 2022 का जो बनाया गया बच्चा उसमें इनको बच्चों को गोद लेने का राइट नहीं दिया गया या जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 में आया भारत में सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए उसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले को सिंगल पेरेंट को ट्रांसजेंडर को या समलैंगिक को सरोगेसी का अधिकार नहीं दिया गया इस कानून में भारत में वही सरोगेसी करा सकती है कपल जिनकी दो विसमलैंगी हो जिनकी शादी हुए एक साल हो चुका हो और बायोलॉजिकली प्रूव्ड हो कि वो बच्चा पैदा करने में उनमें से कोई एक सक्षम नहीं है तब जाकर के वो सरोगेसी में जा सकते हैं और सरोगेसी से बच्चा पैदा कर सकते हैं समलैंगिकों को, को सरोगेसी का अधिकार नहीं दिया गया चलो दो कपल एक कपल है होमोसेक्सुअल है गे है लेस्पियन है दोनों कमाते हैं दोनों साथ में रहते हैं उनमें से एक मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी पति पत्नी जी होंगे अगर उनके विवाह को मान्यता दे दी जाएगी तो पति के मरने पर संपत्ति पति के पास जाएगी पति के मरने पर संपत्ति पत्नी को मिलेगी उनमें से एक को मरने पर दूसरे की संपत्ति दूसरे को मिलेगी अगर मान लो कि उसमें से एक निर्णय लेता है कि हम कमाएंगे गजेंद्र सिंह ने निर्णय लिया कि हम कमाएंगे और महेंद्र सिंह ने निर्णय लिया कि मैं रह करके घर में अपना काम धाम देखूंगा गजेंद्र सिंह कमाता है और उस कमाई से दोनों परिवार अपना चलाते हैं गजेंद्र सिंह की मृत्यु हुई क्या महेंद्र सिंह को पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन यदि विवाह के रूप में उनको कानूनी मान्यता दे दी जाए तो पेंशन पाने का अधिकार निर्धारित करना पड़ेगा मेरी बात समझ में आ रही है सीता गीता ने शादी किया गीता ने सोचा कि भाई हम कमाएंगे और सीता ने घर का काम करने का निर्णय लिया गीता की मृत्यु के बाद गीता की कमाई गीता की संपत्ति पर अधिकारी कौन होगा विरासत का अधिकार किसको मिलेगा बहुत सारी उलझने फंसी हुई थी बच्चा बात आपको समझ में आ रहा होगा और इन उलझनों को दूर करने के लिए जरूरी था कि भाई इस पर और कुछ कानूनी स्पष्टता की जाए और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करने की मांगे उठने लगी और इस तरह से समलैंगिक विवाह आज का एक प्रमुख मुद्दा बन गया 2018 के बाद सारे के सारे एलजीबीटी मूवमेंट भारत में समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करने के लिए मान्यता देने के लिए मांग उठाने लगे 2018 में समलैंगिक संबंध को लीगलाइज किया गया बट कुछ प्रॉब्लम इनके साथ फंसी रही कुछ मुद्दे विद्यमान रहे इनको गोद लेने का अधिकार नहीं था मैंने अभी अभी, अभी आपको बताया इनको गोद लेने का अधिकार नहीं था उसमें क्लियर कर दिया गया कि ये गोद नहीं ले सकते इनको सरोगीसी से बच्चा लेने का अधिकार नहीं दिया गया था इनको लगा कि यदि इनको समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर देगी सरकार तो हम गोद ले सकते समलैंगिक संबंधों में बुढ़ापे तक तो जिएंगे, लेकिन हमारे बुढ़ापे में सहारा कौन होगा बुढ़ापे में हमें कौन देखेगा महेंद्र सिंह ने जैसे ही अपने मम्मी पापा को गजेंद्र सिंह के साथ शादी करके रहने का निर्णय लिया गजेंद्र सिंह के साथ रहने का निर्णय लिया साथ रह सकते हैं सेक्सुअल रिलेशन में रह सकते हैं तो जेल नहीं जाएंगे लीगल है पति पत्नी की तरह रहे लीगल है विवाह को कानूनी मान्यता अभी तक नहीं मिली है का मतलब है कि विवाह को यदि कानूनी मान्यता मिलेगी तो फिर जो विवाहित युगल को जो ढेर सारे लाभ दिए जाते हैं अन्य विभिन्न कानूनों के माध्यम से वो लाभ भी इनको मिल जाएगा वो लाभ लेने के लिए इन्होंने इसको विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करी लेकिन जब तक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी नहीं मिली है और वो पति पत्नी की तरह रहते हैं तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई थी गोद लेने का अधिकार सरोगेसी का अधिकार इनको नहीं दिया गया था इनको विरासत का अधिकार नहीं था एक के मृत्यु पर उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी इनको पेंशन पाने का अधिकार नहीं मिल रहा था समझ में आ रहा है टैक्स बेनिफिट का लाभ पति पत्नी अगर होते हैं तो बहुत सारे टैक्स बेनिफिट उनको मिलते पति पत्नी के रूप में समाज ने मान्यता नहीं दी कानून ने मान्यता नहीं दी कानून ने बस इतना ही मान्यता दी कि आप रहो आपको जेल नहीं भेजा जाए बट कानून ये नहीं कहता है कि वाल हस्बैंड वाइफ कानून कहता है कि आपका जो रिलेशन है यह अपराध नहीं है दैट्स ऑल बट कानून ने अभी इस रिलेशन को अठारह के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कानून ने इस रिलेशन को पत्नी और पति के रूप में रिलेशन के रूप में मान्यता नहीं दी उसी के लिए लोग मांग कर रहे। इनको टैक्स बेनिफिट का लाभ नहीं मिले इसीलिए समलैंगिक विवाह को कानून की मान्यता प्रदान करने की मांग प्रारंभ हुई भारत में भी यह मांग 2018 से जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया बच्चा उसी समय से सितंबर से ही शुरू हो गई 2019 में मांगे धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी दुनिया के अलग अलग देशों में समलैंगिक विवाह को गे लेस्बियन मैरिज को लीगलाइज किया जा रहा था सोशल मीडिया का युग था संचार क्रांति का युग था पश्चिम में होने वाले सारे खबर भारत के लोगों तक पहुंच रहे थे भारत में भी इस तरह की मांग उठने लगी थी जो महत्वपूर्ण घटनाएं जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं नवंबर 2022 में दो हजार के दो महीना पहले हैदराबाद का एक गी कपल था सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय डांग और सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय डांग ने सरकार से समलैंगिक विवाह के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाला और सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम उन्नीस के तहत स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत हम लोगों को हम समलैंगिकों को विवाह की अनुमति दी जाए सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय डांग दोनों मेल दोनों गे थे अब यहां पर ध्यान रखने की बात है बच्चा कि हमारे भारत में विवाह संबंधों को हमारे पर्सनल लॉ के द्वारा शासित किया जाता और इस पर्सनल लॉ में जो हमारी परंपरागत धार्मिक मान्यताएं हैं उनको महत्व दिया गया मैंने अपने क्लास में जब सेकुलरिज्म पढ़ाया था तो मैंने वहां पर इन सब चीजों की विस्तृत चर्चा की क्यों कौन सी परिस्थितियां थी 1947, जब हमें पश्चिमी अवधारणा से इतर अलग इंडिया में सेकुलरिज्म को अपनाना पड़ा हमने यूं ही सेकुलरिज्म को पश्चिमी अर्थ से भिन्न अर्थ में नहीं अडॉप्ट किया कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार थी कहीं ना कहीं उन्नीस कही की परिस्थितियां हमारे लिए जिम्मेदार थी इन सब चीजों के लिए और वहीं पर हमने पर्सनल लॉ का प्रावधान भी इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रख करके किया और कहा कि हमारे जितने भी हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, उनकी प्रथा परंपरा और मान्यताओं को महत्व प्रदान किया जाएगा उनको उनके प्रति सम्मान दिया जाएगा उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है इनके प्रथा परंपरा में चार विवाह की अनुमति है वो चार विवाह करे उन पर सरकार अपना कानून आरोपित नहीं करेगी हमने अपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 30 इन सभी आर्टिकल में हमने भारत में रहने वाले हर धार्मिक समुदाय के धार्मिक अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास किया इसलिए मुस्लिमों के लिए विवाह अधिनियम अलग है और हिंदुओं के लिए विवाह अधिनियम अलग है हिंदू विवाह अधिनियम उन्नीस हिंदुओं में विवाह को अनुशासित करता है रेगुलेट करता है लेकिन एक विवाह अधिनियम उन्नीस बनाया गया इसको स्पेशल इस मैरिज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर के नाम से जाना गया और इसमें वे सभी लोग जो स्पेसिफिक मैरिज एक्ट में शासित नहीं होते हैं उनके लिए यह अधिनियम है और इसके तहत वो आपस में विवाह कर सकते हैं इसके तहत कोई भी विशेष विवाह अधिनियम उन्नीस सौ चौवन के तहत विवाह कर सकता है सुप्रिया तो चक्रवर्ती और अभय डांग ने सुप्रीम तो कोर्ट से यही गुहार लगाई कि स्पेशल मैरिज एक्ट उन्नीस के तहत अगर देखा जाए तो हम लोगों को विवाह की अनुमति दी जा सकती है समलैंगिक विवाह की अनुमति दी जा सकती है ठीक है इधर ध्यान देने वाली बात है नवंबर 2022 में सुप्रिया चक्रवर्ती वाली बात मैंने बता दी जनवरी 2023 तक जनवरी 2023 तक भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अदालतों में ढेर सारे कपल ने ढेर सारे गे और लेस्बियन ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए पीआईएल डाल दी और लगभग 20 पीआईएल दायर की गई जनवरी 2023 तक जनवरी 2023 तक जब बीस पीआईएल दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट को भी इन सब चीजों पर विचार करने के लिए सोचना पड़ा गंभीर होना पड़ा और 13 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जितने भी पीआईएल थे उन को लेकर संविधान पीठ के पास भेज दिया जो बीसो पीआईएल था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने संविधानिक पीठ के पास भेजा ठीक है और 16 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच जजों की बेंच का गठन किया पांच जजों की एक बेंच का गठन किया गया जो इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा कि समलैंगिक विवाह को भारत में लीगलाइज किया जाए या नहीं किया जाए किया जाए या नहीं किया क्लियर है और इसके बाद 18 अप्रैल से मानवीय मामले पर सुनवाई शुरू सुनु होती है और 18 अप्रैल से बीच में कुछ कुछ गैप आ जाता है बच्चा और 10 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होती है 10 दिन बहस होती है मैंने पहले भी कहा था कि भारत सरकार की तरफ से सुचार मेहता थे और उनका कहना था कि भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की जरूरत नहीं है जबकि दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी वकील है ये विभिन्न तर्कों के माध्यम से दस दिनों तक बहस करते रहे कि भारत में समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर दिया जाए कर दिया जाए कर दिया जाए दस दिनों की चली इस बहस के बाद ग्यारह मई तक बहस चली और ग्यारह मई दो हजार तेईस को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना डिसीजन रिजर्व कर लिया ये बात अलग है कि डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया डिसीजन अभी आया नहीं और जैसे ही डिसीजन आएगा देखते देखते हर जगह ही मामला चर्चा का विषय हो जाएगा और पूरे भारत को इंतजार है इस निर्णय का कि क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करती है या लीगलाइज नहीं करती अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है वो सुप्रीम कोर्ट जानती बट हमारा और आपका निर्णय क्या हो ये हम और आप बताएंगे और इसके लिए हमें दोनों पक्षों पर विचार करना जरूरी होगा ये दोनों पक्ष हमारे और आपके भी पक्ष है और इस पक्ष का ये चर्चा मुकुल रोहतगी ने भी की है तुषार मेहता ने भी किया है और एलजीबीटी मोमेंट में भी इसके पक्षधरों ने भी किया है और भारत के कई संगठन जो इसके विरोध में उन्होंने भी अपना अपना तर्क दिया क्या है इसका पक्ष और क्या है इसका विपक्ष क्या लगता है समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर देना चाहिए जैसे ही लीगलाइज कर देना चाहिए के पक्ष में हम लोग सोचते हैं बच्चा जो पक्ष है वही है जो पक्षधरों ने कहा पक्ष में तर्क तो हमें आधुनिकता का मूल्य याद आने लगता समलैंगिकों की समस्या याद आने लगती है दो संदर्भों में एक तो हमें हमारे भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उस संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो हमारा संविधान क्या कहता है हमारा धारा चौदह पंद्रह उन्नीस समानता के अधिकार से संबंधित है भेदभाव नहीं करने की बात करता हमारा आर्टिकल ट्वेंटी वन वैक्तिक स्वतंत्रता का पक्षर है और लगता है कि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट हर व्यक्ति को अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए यदि उसके अपने अनुसार जीवन जीने से किसी अन्य के जीवन में बाधा नहीं आती हो तो फिर उसको वो अधिकार मिलना चाहिए हाँ अगर हमारे अपने अनुसार जीवन जीने से अन्यों के अधिकार बाधित होते हैं अन्यों को नुकसान पहुंचता हो तो हमारे अपने अनुसार जीवन जीने को रोका जाना चाहिए समाज को नुकसान पहुंचता हो तो हमें अपने जीवन को अपने अनुसार जीने से रोका जाए लेकिन यदि किसी को नुकसान नहीं पहुंचता तो मुझे लगता है कि अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए ये उसका फंडामेंटल राइट और अगर कोई महेंद्र सिंह गजेंदर सिंह से शादी करना चाहता तो मुझे लगता है कि उसको अधिकार मिलना चाहिए उसका अधिकार है भी महेंद्र सिंह गजेंदर सिंह को पसंद करता तो ये उसका अधिकार है ये उसको अधिकार मिलना चाहिए ना कहीं ये राइट टू प्राइवेसी का पाठ है निजता के अधिकार का पाठ है हर व्यक्ति को अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसका जो भी है उसके अनुसार उसको जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए यार हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन हम मेल है फीमेल के प्रति है ही नहीं मेल के प्रति ही है तो हमें यह अधिकार मिलना चाहिए एक तर्क हमारे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में एक तर्क बनता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत समलैंगिक संबंधों को भी लीगलाइज किया जाना चाहिए जो किया जा चुका है ध्यान रखिएगा 2018 में समलैंगिक संबंधों को जब लीगलाइज किया गया दीपक मिश्रा ने भी कहा कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है इंदु मल्होत्रा ने कहा कि अब तक इनके साथ भेदभाव होता आया है इसके लिए समाज को माफ नहीं किया जा सकता यानी समाज ने गलती की है सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज को किया चंद्रचूड़ ने कहा कि ये हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है चौदह तो पंद्रह उसके अनुरूप है उनको ही अधिकार दिया गया है 2018 में जब समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर निकाला गया इस घटना को इन जजों ने काफी तारीफ करी कि जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो आज हो रहा है इस तरीके से मैंने बाइडेन के स्टेटमेंट को कहा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के बाद उन्होंने जो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया कोटेशन जो मैंने कोट किया था हमारे जजों ने दिया तो व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार और उस अधिकार के चश्मे से यदि हम देखते तो लगता है कि नहीं इनको अधिकार मिलना चाहिए पक्षधर कहते हैं कि इनको अधिकार मिलना चाहिए इनके पक्ष में एक दूसरा तर्क भी और तर्क सामाजिक न्याय के मूल्यों पर हमारा संविधान सामाजिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करता है प्राप्त करने का प्रयास करता है सामाजिक न्याय हमारे संविधान का आदर्श है अगर किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है उसको रोकने की दिशा में हमारा संविधान राज्य को प्रयास करने का निर्देश देता है और अगर हम सामाजिक न्याय के, के चश्मे से देखते हैं बच्चा तो भारत में समलैंगिकों के साथ कहां न्याय एक तो नेचर ने गड़बड़ कर दिया उनको सामान्य नहीं बनाया अगर वो बेचारे सामान्य होते महेंद्र सिंह को गजेंद्र की जगह किसी लड़की में यौन आकर्षण होता या गीता को सीखा की जगह किसी लड़के में आकर्षण होता तो कहीं सामाजिक उपेक्षा का उनको सामना नहीं करना पड़ता मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ता विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं को वो झेलती रही वो झेलना नहीं पड़ता ये गड़बड़ी तो कहीं ना ने कहीं नेचर ने कर दी है प्रकृति ने कर दी है वो बेचारी जनरल कैटेगरी में नहीं रही सामान्य में नहीं रही वो असामान्य श्रेणी में आ गई भारत के समलैंगिक भी असामान्य श्रेणी में आए ये उनके लिए तो नेचर ने अन्याय कर दिया भगवान जी ने उनके साथ गड़बड़ कर दी कम से कम समाज को तो सुधारना चाहिए तो स्थितियों को देखना चाहिए समाज की मान्यताओं के बोझ तले उनके साथ उनको शादी करने के लिए विवश होना पड़ रहा है जिनके साथ वो सेक्स नहीं कर सकते हैं या न कर सकते उनके साथ उनको सेक्स रिलेशन बनाने के लिए विवश किया जा रहा है जिनके साथ वो सेक्स ना कर सकते हैं ना करने की इच्छा होती है ओरिएंटेशन ही नहीं होता है। उनके साथ साथ रहने जिनके साथ कोई भावात्मक जुड़ाव महसूस हो करते ही नहीं है उनमें उस तरह की फीलिंग ही नहीं आती है सोचो और जीवन भर के लिए उनके साथ बांध देना कहीं से भी उनके साथ न्याय नहीं सोचो कितने बेचारे और इस को ये बेचारा किसने बना नेचर ने जो बनाया वहां पर तो दो तीन माइनस पॉइंट रहेगा ही रहेगा वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो मातृत्व और पितृत्व सुख से आजीवन वो वंचित रहेंगे आप समझ रहे हो लेकिन इसकी कुछ वैकल्पिक संरचनाएं अगर उत्पन्न हो और इससे उनको रिलीफ मिले तो मुझे लगता है न्याय सामाजिक न्याय के आदर्शों को केंद्र में रखते हुए समाज को देना चाहिए और सबसे पहले तो समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज किया जाना चाहिए जो सरकार ने लीगलाइज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दी फिर उन्हें समलैंगिक विवाह को भी मान्यता देनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से वो पति पत्नी की तरह रह सके और जो उनके साथ कुछ अधिकारों का अड़चन है वो अड़चन दूर हो सके को गोद लेने वगैरह का भी अधिकार देना चाहिए ताकि उनके बुढ़ापे का एक सहारा मिल सके एक ये मैं नहीं दे रहा ध्यान देना पक्षधरों का कहना तो समलैंगिक विवाह को लीगलाइज किया जाए इसके लिए दो आधारों पर पक्षधर बल देते हैं एक व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे संविधान में है और दूसरा सामाजिक न्याय का आदर्श जो हमारे संविधान इस संदर्भ में पक्षधर कहते हैं कि आखिर हमारे यहां विशेष विवाह अधिनियम उन्नीस क्यों बनाया गया वो इसलिए ही बनाया गया कि यो युगल हिंदू मान्यताओं के अनुरूप मुस्लिम इस्लामिक मान्यताओं सरियत की मान्यताओं के अनुरूप ईसाई मान्यताओं के अनुरूप फिट नहीं बैठते वो विशेष विवाह अधिनियम उन्नीस के तहत एक पति पत्नी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं विवाह कर सकते हैं इसलिए इनको इनके विवाह को लीगलाइज करना हमारे विशेष विवाह अधिनियम उन्नीस के उद्देश्यों के भी अनुरूप समझ में आ रहा मेरी बात पहला पक्ष सामाजिक न्याय के आदर्श के अनुरूप है दूसरा पक्ष हमारे संविधान में जो भेदभाव किया गया है उन अधिकारों के अनुरूप है फंडामेंटल राइट्स के जो प्रावधान है उसके अनुरूप है तीसरा तर्क ये विशेष विवाह अधिनियम उन्नीस के जो उद्देश्य हैं इन उद्देश्यों के अनुरूप है और एक चौथा तर्क दिया गया कि इनको अगर समलैंगिक विवाह को यदि लीगलाइज कर दिया जाता तो इससे इनकी गोद लेने की समस्या का समाधान हो जाएगा सरोगेसी की समस्या का समाधान हो जाएगा विरासत पेंशन क्योंकि फिर पति पत्नी के रूप में हो जाएंगे या फिर विवाहित दंपत्ति के रूप में हो जाएंगे और वैवाहिक दंपति को भारत में जो भी अधिकार दिया गया है वो अधिकार इनको स्वतः मिल जाएगा इसलिए इनको लीगलाइज करना चाहिए क्योंकि इससे गोद लेने सरोगेसी विरासत पेंशन आदि अधिकारों की प्राप्ति इनको संभव होगी और समाज के सम्मानित नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे इसके बाद एक तर्क और पक्षधर देते हैं कि इससे जो राइट टू प्राइवेसी है इसके साथ साथ उनको सामाजिक स्वीकृति भी मिलेगी अगर इस तरह से समलैंगिक संबंधों को हम लीगलाइज नहीं करते समलैंगिक विवाह को लीगलाइज नहीं करते कहीं ना कहीं कानून एक कदम आगे बढ़ाएगा तो समाज भी धीरे धीरे इस दिशा में सोचना शुरू करेगा समाज जैसा सोचता है कानून लगभग वैसा ही होता है कानून को भी समाज की सोच को ध्यान में रखना पड़ता है लेकिन ध्यान दो समाज भी कानून की सोच को कानून के पक्ष को ध्यान में रखता है तो कि समाज ने नहीं रखा कानून नहीं रखेगा तो फिर कैसे आधुनिक समाज की दिशा में परिवर्तन होगा समाज फिर स्थिर बना रहेगा परंपरागत का परंपरागत बना रहेगा जड़ बना रहेगा रूढ़ बना रहेगा इसलिए सामाजिक स्वीकृति भी जरूरी है और जब तक सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक समाज में उनको सम्मान से जीवन जीना संभव नहीं होगा पुलिस नहीं पकड़ेगी बट समाज पत्थर मार मार के मार देगी समाज निंदा कर करके मार देगी इसलिए पक्षधर कहते हैं कि इससे निजता के अधिकार के साथ साथ इनको सामाजिक स्वीकृति संभव होगी फलतः इनका समाज में सम्मान के साथ जीवन जीना भी संभव हो पाएगा ये तो है इनके पक्षधरों का तर्क और इस आधार पर ये कहते हैं कि समलैंगिक विवाह को रिगलाइज किया जाए लेकिन जो विरोधी है वो इसके विपक्ष में तर्क हैं। समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क कहते हैं बाप रे बाप, बिल्कुल नहीं करना चाहिए पागल हो गए हैं सब एक क्या तरीका है लड़का लड़का से शादी करेगा लड़की लड़की से शादी करेगा दिमाग खराब हो गया नहीं? ऐसा कभी न हुआ था ना होना चाहिए जो हमारे परंपरा के पोषक है जो परंपरागत मान्यताओं और परंपरागत संस्कृति को पकड़े हुए वो एकदम इसके विरोध में वो कहते हैं बिल्कुल ये हमारी परंपरागत मान्यताओं के विपरीत है ये हमारी परंपरागत मूल्यों के विपरीत है ये हमारे धर्म के विरुद्ध है धर्म के विरुद्ध बताकर के तो ईरान में भी अभी, अभी हमने आंकड़ा दिया हजारों लोगों को फांसी दे दी गई समलैंगिक संबंध रखने वालों को भारत में भले फांसी लोग नहीं देते हैं क्योंकि राज्य धर्मनिरपेक्ष है लेकिन जो धर्म के पक्षधर हैं जो भारतीय परंपरा और धर्म को पकड़े हुए उनका कहना है कि हमारे धार्मिक मान्यताओं के विपरीत है अगर इस तरह की चीजों को मान्यता दिया जाएगा तो हमारी संस्कृति के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न होगी एक सोशल एंड कल्चरल क्राइसिस उत्पन्न होगा इससे सामाजिक विखंडन उत्पन्न होगा इस तरह की चीजों को मान्यता नहीं देनी चाहिए अभी हमारी समाज की सोच इतनी यूरोप वालों की तरह नहीं हुई है यूरोप में जैसा हो रहा है वैसा हम यहां शुरू कर दे भारतीय समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अभी समलैंगिक विवाह को लीगलाइज नहीं किया जाता कुछ लोग कहते हैं समलैंगिक विवाह को मान्यता देना फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है जबरदस्ती लोग फंडामेंटल राइट्स को लेकर के बैठे हुए हैं। जबरदस्ती फंडामेंटल राइट्स को लेकर के बैठे हुए ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जब 2017 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स का पार्ट माना गया सेक्सुअल ओरिएंटेशन को फंडामेंटल राइट्स का पार्ट माना गया राइट टू प्राइवेसी का पार्ट माना गया और उसी के तहत ये समलैंगिक संबंधों को समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करने की मांग कर रहे हैं कह रहे हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स है आलोचक कहते हैं विरोधी कहते हैं कि भाई समलैंगिक संबंध रखना आपका राइट टू प्राइवेसी का पार्ट हो सकता है यह आपका निजी मामला है आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसके साथ रखते हो पुरुष हो पुरुष के साथ रखते हो या स्त्री के साथ रखते हो यह आपका पर्सनल मामला है यह आपका निजी मामला यौन संबंध आपका व्यक्तिक मामला है यौन संबंध आपका निजी मामला है विवाह एक सार्वजनिक मामला है क्योंकि विवाह हम समाज के सामने जाकर करते हैं इसको समाज देखता है इसका समाज पर प्रभाव पड़ता है पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री करने पर हमारे समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा विवाह एक सार्वजनिक मामला है इसको राइट राइट टू टू प्राइवेसी प्राइवेसी का नहीं माना जा सकता right के आधार पर समलैंगिक विवाह को सही नहीं ठहराया जा सकता है राइट टू प्राइवेसी के आधार पर आपसी सहमति से यौन संबंध व्यक्ति का निजी मामला है परंतु विवाह एक सार्वजनिक मामला है इसलिए राइट टू प्राइवेसी निजता के अधिकार के द्वारा को न्यायोचित सही नहीं ठहराया जा सकता है और विपक्ष पे चौथा तर्क है कि विशेष विवाह अधिनियम उन्नीस की व्याख्या द्वारा समलैंगिक विवाह को इसमें शामिल करना जटिल कार्य है अभी देखो इसको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि तो मुझे क्लास को खत्म करना है ये टेक्निकल पार्ट है लेकिन विपक्षियों का कहना है कि उसके तहत आप चाह रहे हो कि समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर दिया जाए ये सही नहीं और विपक्ष में जो अंतिम तर्क है विपक्ष में जो अंतिम तर्क थे बच्चा उसको आप ध्यान से सुन जो इसके विपक्ष में है हम आप दोनों दोनों तर्क को सुन रहे हैं दोनों तर्क के बाद हम लोग डिसीजन देंगे जो विपक्ष वाले वो कहते हैं कि समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर देने से फिर कई नई तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी कई नई तरह की जटिलताएं उत्पन्न मान लीजिए कि समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर दिया मान लीजिए महेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह के बीच विवाह को लीगलाइज कर दिया गया अभी तक क्या है अभी तक है कि महेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह दोनों पति पत्नी की तरह एक फ्लैट लेके साथ साथ रह सकते हैं समाज के सामने कर सकते हैं कि हम लोग वही हस्बैंड वाइफ लेकिन कानून ने उन्हें हस्बैंड वाइफ के रूप में लीगलाइज नहीं रह सकते ठीक है वो कह रहे हैं कि कानूनी रूप से भी हमें मान्यता दे दी क्योंकि तो जब तक कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी सामाजिक नहीं मिलेगी कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी तो पति पत्नी के रूप में जो अधिकार एक दंपति को दिया गया है वो अधिकार नहीं मिलेगा इसलिए उनको लीगलाइज किया जाए विपक्ष वाले कहते हैं कि मान लीजिए गजेंद्र सिंह महेंद्र सिंह को लीगलाइज दिया राइट और कुछ दिन के बाद दोनों में डिवोर्स होता है तलाक अब कौन किसको भरण पोषण देगा डिसाइड सीता और गीता के बीच विवाह होता है तलाक के बाद सीता गीता को भरण पोषण का खर्च देगी या गीता सीता को देगी अब इसको भी निर्धारित करना होगा एक नई जटिलता आ गई इस पर भी कालांतर में लोग केस करेंगे सीता गीता पर केस करेगी गीता सीता पर केस करेगी महेंद्र सिंह गजेंद्र सिंह पर केस करेंगे फिर से अब इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करना होगा पहली जटिलता दूसरी जटिलता दूसरी जटिलता है कि दोनों महिलाएं घरेलू हिंसा कानून का लाभ किसको मिलेगा भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रक्षोपाय की दिशा में 2005 में एक घरेलू हिंसा अधिनियम लाया गया और इस घरेलू हिंसा अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध घर में जो हिंसा होती है सास के द्वारा ननद के द्वारा पति के द्वारा ससुर के द्वारा इस हिंसा से उनकी रक्षा यह कानून करता है इस कानून में प्रावधान किया गया है कि इस कानून के तहत वो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास कर सकती है बहुत सारा काम कर सकती है घरेलू हिंसा कानून महिलाओं के लिए महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए प्रश्न है कि सीता और गीता ने शादी किया दोनों महिला अब पति पत्नी के रूप में वैवाहिक दंपति के रूप में उनको कानूनी तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया लीगलाइज किया गया घरेलू हिंसा कानून का लाभ सीता को मिलेगा या गीता को मिलेगा यह एक जटिलता है समस्या है और अब इसको डिसाइड करना पड़ेगा फिर से एक नई मुद्दे आएंगे नई समस्या आएगी एक और मुद्दा कि तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी क्योंकि तो ये लोग यही कह रहे हैं ना कि भाई वैवाहिक मान्यता मिल जाएगी तो हम बच्चा गोद ले सकते हैं सरोगेसी से जाकर के बच्चा पैदा करा सकते हैं चलो बच्चा उनके पास आ गया और बच्चा आ गया और फिर डिवोर्स हो गया डिवोर्स के बाद डिवोर्स के बाद बच्चा किसकी कस्टडी में जाएगा डिवोर्स के बाद बच्चा किसकी कस्टडी में जाएगा सीता की या गीता की गजेंद्र के या महेंद्र के फिर एक नई समस्या आएगी क्योंकि एट प्रेजेंट सिनेरियो में जो कानून है वो कह रहा है कि अगर बच्चा पांच वर्ष से कम का है तो मां क्योंकि आज भी हमारा कानून मानता है कि बच्चों की देखभाल में बेहतरीन मां होती है पिताजी और बच्चों की देखभाल की जो सबसे ज्यादा संवेदनशील उम्र है आयु है वो शून्य से पांच वर्ष इसलिए बच्चा तीन साल चार साल पांच साल तक का है और पति पत्नी में डिवोर्स हो रहा है तो बच्चे की कस्टडी मां को दी जानी चाहिए अगर बच्चा पांच साल छह साल सात साल से बड़ा हो गया है तब फिर पिता को भी जा सकते अब इसके पीछे तो थॉट यही है ना कि एक स्त्री है एक मां के रूप में है अच्छी देखभाल करती है दोनों स्त्री है मामला फंस गया दोनों पुरुष है मामला फंस गया अब इस संदर्भ में हम देखें बच्चा तो फिर यहां पर भी मामला फंसता है कि ये तलाक की स्थिति में भरण पोषण कौन देगा यदि दोनों महिला है तो घरेलू हिंसा कानून का लाभ किसको मिलेगा और तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी अब यहां पर एक और बात है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वालों का तर्क है कि जब तक समलैंगिक संबंध में तो हम रह रहे हम पति पत्नी के रूप में रह रहे हम पति पत्नी के रूप में रह रहे लेकिन जब तक समलैंगिक विवाह लीगलाइज नहीं तब तक हम बहुत सारे अधिकारों से वंचित हैं हम गोद नहीं ले सकते हैं बच्चे को अब जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा एक युगल के लिए एक कपल के लिए संतान चाहिए एक साइकिल होता है हमारे समाज में मां बाप बच्चे की देखभाल करते हैं बच्चों का पालन पोषण करके उसे बड़ा करते हैं बच्चा फिर वयस्क होता है मां बाप बूढ़े होते हैं फिर मां बाप को सहारा की जरूरत होती है मां बाप को देखभाल की जरूरत होती है और फिर मां बाप की देखभाल बच्चे करते हैं इस तरह से हमारे समाज में एक साइकिल के रूप में देखभाल की व्यवस्था विद्यमान है ठीक है वेलफेयर स्टेट आया वेलफेयर स्टेट एनजीओ भी ढेर सारे इस तरह के कार्यो को संपादित कर रहे हैं लेकिन आज भी हमारे समाज में इसी साइकिल के तहत बच्चे और बूढ़ों की देखभाल की जाती है इसलिए अगर समलैंगिक जोड़े साथ रह रहे हैं तो बुढ़ापे के सहारे के लिए उनके पास भी बच्चा होना चाहिए अब उनका कहना है ध्यान से सुनो उनका कहना है कि यदि समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर दिया जाएगा तो गोद लेने का हमें अधिकार मिल जाएगा फिर हमारे पास भी बच्चा होगा सरोगेसी से बच्चा लेने का अधिकार हो जाएगा हमारे पास भी बच्चा होगा ठीक है बट फिर से एक कानूनी जटिलता उत्पन्न होगी गोद लेने के कंटेस्ट में। ध्यान देना सरोगेसी वाले में ये तो एक नया मुद्दा होगा कि सरोगेसी में ऐसे कपल को सरोगेसी की अनुमति दी जाए कि नहीं दी जाए जो समलैंगिक है एक नया डिबेट होगा इसका क्या पक्ष होगा क्या विपक्ष होगा इस पर चर्चा होगी बच्चों के गोद लेने के संदर्भ में लगातार हमारे एडॉप्शन से संबंधित नियमों में बदलाव कानून में बदलाव आ रहा है 2022 में लेटेस्ट बदलाव आया है और एडॉप्शन का एडॉप्शन या गोद लेने का सिस्टम क्यों लाया गया क्योंकि सरकार भी जानती है कि प्रारंभिक देखभाल परिवार में ही होना चाहिए किसी संस्था में नहीं ठीक है कोई नहीं है तो बच्चे अनाथालय में पलते हैं बढ़ते हैं मां बाप का एक्सीडेंट हो गया बच्चा अनाथ हो गया किसी ने बच्चा पैदा करके कहीं छोड़ करके वो चले गए ढेर सारे ऐसे बच्चे होते हैं और इनकी प्रारंभिक देखभाल की, देख की जरूरत होती है इसलिए ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में की गई है कि अगर कोई युगल जो संतान विहीन है वो चाहे तो आकर के बच्चे को गोद ले सकता है कुछ लीगल प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है और इसके बाद फिर वो उसका बच्चा लीगल बच्चा हो जाएगा उसका उत्तराधिकारी भी वही होगा प्रॉपर तरीके से वो उसका बच्चा माना जाएगा और इस तरह से बच्चे को उसके संरक्षक माँ बाप देखभाल करने वाले मिल गए और मां बाप को बुढ़ापे का एक सहारा मिल गया हमारे यहां गोद लेने ले का यही था लेकिन में बहुत सारी गड़बड़ियां थी जो हमारे पुराने कानून थे बहुत सारे लोग आते थे गोद लेकर के जाते थे और लड़कियों से बेसावृति का काम कराने लगे इंडिया में ऐसे केसेस आए तो समय समय पर एडोप्शन से जुड़े हुए कानून को बदलता परिवर्तित किया गया उसको और सही किया गया सही किया गया 2022 में जो हमारा लेटेस्ट इससे जुड़ा हुआ नियम है कानूनी प्रावधान है उसमें एक बात सबसे ज्यादा फोकस्ड है कि एडॉप्शन के किसी भी रूप में बच्चे का हित सर्वोपरि है बच्चे का हित सर्वोपरि है बच्चे का हित सर्वोपरि इसीलिए ये नियम बनाया गया कि अगर कोई भी आदमी गोद लेने जा रहा है तो गोद लेने वाले का उम्र बच्चे के उम्र से कम से कम पच्चीस साल बड़ा हो पता चला पच्चीस साल के हम हैं और बीस साल की लड़की को गोद ले लिए उसके साथ हम गलत संबंध स्थापित कर तो बच्चे और गोद लेने वाले मां बाप के बीच कम से कम ट्वेंटी फाइव ईयर्स का डिफरेंस हो सिंगल पेरेंट फैमिली भी गोद ले सकते हैं मैंने कई बार आपको कहा सुष्मिता सेन का परिवार सुष्मिता सेन ने गोद लिया उनका परिवार बन गया शादी करने की जरूरत नहीं पड़ी और आजकल इस तरह के फैसन हो रहे हैं करण जौहर ने सरोगेसी से बच्चा को प्राप्त किया और परिवार का निर्माण कर लिया परिवार के निर्माण करने के लिए विवाह की जरूरत नहीं पड़ी तो अगर कोई सिंगल पेरेंट फैमिली पे मतलब में या तो पत्नी मर गई है पत्नी का पति मर गया है लिविंग रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया है लिविंग रिलेशनशिप पे मैं आपका एक अलग से क्लास लूंगा लिविंग रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया है अब पेरेंट सिंगल हो गए वो अगर गोद लेने जाते वहां भी मिस हो सकता है इसलिए कहा गया है कि एक मेल जो है वो फीमेल चाइल्ड को गोद नहीं ले सकता है मेल अगर गोद लेगा तो मेल चाइल्ड को ही गोद लेगा अगर सिंगल पेरेंट फैमिली है तो मेल चाइल्ड को ही गोद लेगा अगर युगल पति पत्नी के रूप में है तो फिर मेल और फीमेल किसी को भी गोद ले सकता है मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड किसी को भी गोद ले सकता है बट अगर सिंगल है या तो पुरुष है या स्त्री है और वो अगर गोद लेने जाते हैं तो पुरुष है तो, तो केवल मेल चाइल्ड को गोद लेगा स्त्री है तो मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड को गोद ले सकती है उसको दोनों अधिकार दिया गया तो सारी जो नियमों की व्यवस्था की गई है वो बच्चे को हित को ध्यान में रख करके की गई अब यहां पर कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं जगह सरोगेसी सरोगेसी कह रहे हैं जो समलैंगिकों को ये अधिकार दे दिया गया अगर उनको विवाह का अधिकार दिया जाएगा और फिर इसके बाद यह भी अधिकार दिया जाएगा कि वो गोद ले सकते और एडॉप्शन लॉ में बच्चों के हित को प्राथमिकता दी गई है तो बच्चों के चश्मे से यदि हम देखें अगर हम बच्चों के चश्मे से देखें ध्यान से मेरी बात को सुनो बस थोड़ी देर थोड़ी देर में हमारा क्लास पूरा हो जाएगा बच्चों के चश्मे से देखें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और पता चलता है कि उसके मां बाप विषम लिंगी है नॉर्मल है व्यक्तित्व तो पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रॉपर लेकिन बच्चे को पता चलता है कि उसके मां बाप गे है, लेस्बियन है मम्मी पापा दोनों पुरुष हैं या मम्मी पापा दोनों स्त्री हैं हमारा समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है तो बच्चा स्कूल जाएगा तो बच्चे दूसरे चिढ़ाएंगे उसके मित्र मंडली के लोग चिढ़ाएंगे उससे लोग दूर रहेंगे कहेंगे तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी दोनों पुरुष हैं गे हैं लेस्बियन हैं बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर सही प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका व्यक्तित्व विकास विखंडित हो जाएगा ये भी एक मुद्दा उभर कर सामने आएगा कि क्या यदि समलैंगिक विवाह को लीगलाइज किया जाता है तो क्या उनको उन जोड़े को गोद लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए ये भी एक नई जटिलता नया मुद्दा उभर करके कर सामने आएगा बच्चा तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जिसके आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि लीगलाइज किया जाना चाहिए कुछ लोग कहते हैं लीगलाइज नहीं किया जाना चाहिए और इस दोनों के संदर्भ में अगर आप हमसे पूछोगे हम लोगों से पूछोगे कि क्या होना चाहिए तो हम लोग एक कंक्लूजन इस पर ड्रॉ कर सकते हैं और हमारा कंक्लूजन क्या होगा हमारा कंक्लूजन बच्चा यही होगा अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निष्कर्ष देने जा रही है क्या डिसीजन देने जा रही है लेकिन अगर हम लोगों को डिसीजन देना है अगर हमसे पूछते हो तो हम लोग इस पर जो स्टैंड लेंगे वो स्टैंड लेंगे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए हम कहेंगे देना चाहिए क्योंकि तो हमेशा परिवर्तन की दिशा आगे की ओर होती है न कि पीछे की ओर बैक टू बेदास की फिलोसफी सक्सेसफुल नहीं रही आर्य समाज आंदोलन का परिवर्तन हमेशा आगे की ओर होता है, लेकिन बैक टू बेदास को 100 परसेंट डिनाई करना भी उपयुक्त तो नहीं है पूरे दुनिया में समलैंगिकता को लीगलाइज कर दिया गया समलैंगिक विवाह को कई देशों में लीगलाइज कर दिया गया हमें भी परिवर्तन की हमारी दिशा भी उसी ओर होनी चाहिए पर हमें भी समलैंगिक विवाह का अधिकार मिलना चाहिए व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके केंद्र में नहीं होना चाहिए यहां पर मैं एक और बात देना चाहूंगा सामाजिक न्याय उनको एक बेचारा समझकर उनको अधिकार नहीं उनको बेचारा समझते हो उनको अधिकार मिलना चाहिए यानी अधिकार देते समय व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार फोकस नहीं होना चाहिए मैं चाहे ये करूं मेरी मर्जी नो no! आपकी मर्जी एप नहीं है फंडामेंटल राइट्स या राइट टू लिबर्टी एप नहीं है समाज सापेक्ष संस्कृति सापेक्ष लेकिन हां समाज और संस्कृति के नाम पर हम किसी को के साथ अन्याय नहीं कर सकते इसलिए उनको ये अधिकार मिलना चाहिए हमारा कंक्लूजन का पहला पार्ट समलैंगिक विवाह का अधिकार मिलना चाहिए पता नहीं सुप्रीम कोर्ट देती है कि नहीं हो सकता है कुछ दिन बाद दे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का यह तर्थ कि अभी हमारा समाज तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा निष्कर्ष भी उन दोनों से मिलता जुलता है और हम कहेंगे कि व्यक्तिक समलैंगिक विवाह का अधिकार मिलना चाहिए और यह अधिकार सामाजिक न्याय के, के मूल्यों को केंद्र में रखकर मिलना चाहिए ना कि व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार के मूल्यों को दूसरा हम यह भी कहेंगे कि समाज और संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाए क्योंकि हमारा कोई भी बदलाव हमारा कोई भी परिवर्तन हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स भारतीय समाज और संस्कृति के कीमत पर नहीं होनी चाहिए ऐतिहासिक रूप से दुनिया में जब से मानव समाज आया हमने नियम और तौर तरीके क्यों बनाए ताकि हम सब शांति से रहते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके तो नियम तौर तरीका या आज का कानून समाज के लिए है न कि समाज इन नियम और कानून के लिए नियम और कानून के कीमत पर समाज को विखंडित नहीं किया जा सकता है समाज की कीमत पर नियम और कानून को वरीयता नहीं दी जा सकती समाज पर नहीं, संस्कृति पर इसलिए एक नए जीवन शैली के रूप में एक नए कानून के रूप में यदि हम समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करते हैं अधिकार देते हैं समलैंगिकों को तो भारतीय समाज और संस्कृति के साथ समायोजन स्थापित करते हुए दिया भारतीय समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए दिया हमारा दूसरा मुद्दा भारतीय समाज और संस्कृति है नए आधुनिक सोच के अकॉर्डिंगली पश्चिमी सोच के अकॉर्डिंगली लोग कहते हैं अधिकार दिया जाए और परंपरागत सोच को परंपरागत संस्कृति को केंद्र में रख करके लोग कहते हैं नहीं मिलना चाहिए हम दोनों को मर्ज किए हमने कहा मिलना चाहिए परिवर्तन होना चाहिए अब फिर हमने कहा कि परिवर्तन की इस प्रक्रिया में परंपरागत समाज और संस्कृति को भी ध्यान में रखना चाहिए इसलिए इसलिए अधिकार देने का तरीका हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर हमने कहा कि दिया जाए आहिस्ता आहिस्ता ताकि समाज इसके लिए तैयार हो अभी हम अभी दो तीन साल पहले हमने समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज किया अब धीरे धीरे हम समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करेंगे और साथ साथ इसके पक्ष में जनमत भी तैयार करेंगे ध्यान दो क्योंकि तो अगर कोई एकदम नया बदलाव आता है और समाज उस बदलाव के विपरीत होता है समाज की सोच तो यह नया बदलाव समाज में विखंडन उत्पन्न करता है और अगर नया बदलाव बिल्कुल जरूरी है यह आधुनिकता के मूल्यों के अनुरूप है तो हमें नया बदलाव लाने के पहले उसके पक्ष में जनमत का निर्माण भी करना चाहिए ताकि नया बदलाव से सामाजिक विखंडन न हो सांस्कृतिक विखंडन इसलिए सबसे पहले इनको कुछ विशिष्ट अधिकार दिए जाए इसमें हम अमेरिका का एग्जाम्पल दे सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे परिवर्तन संतुलन के साथ परिवर्तन हो अनुकूलन के साथ परिवर्तन ऐसा परिवर्तन कभी भी सामाजिक विखंडन उत्पन्न नहीं करता दूसरा समाज में समलैंगिक विवाह के पक्ष में एक जनमत का निर्माण किया जाए इसके बाद उनको विवाह का अधिकार प्रदान किया जाए अगर सुप्रीम कोर्ट कर देती है तो साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को जनमत के निर्माण के लिए भी निर्देश दिया जाना चाहिए सरकार को इस कानून के पक्ष में तेजी से जनमत का निर्माण करना चाहिए अन्यथा हमारे समाज में विखंडन उत्पन्न होगा और हमने तीसरा सजेशन दिया है यह कार्य एक लंबी बहस के बाद संसद के द्वारा किया जाए हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर कानून बनाने का निर्देश देती है अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आते ही ऑटोमेटिक कानून बन जाएगा लेकिन पार्लियामेंट को इस पर पहल करनी चाहिए यदि सुप्रीम कोर्ट का दस दिन के बहस के पश्चात जो जजमेंट रिजर्व है उस जजमेंट में समलैंगिक विवाह को लीगलाइज किया जाता है सुझाव हमारे सरकार के लिए है कि इमीडिएट सरकार को। इस पर एक बिल विधेयक का निर्माण करना चाहिए समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करने के लिए हर बिंदुओं को ध्यान में रख करके इस समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करने का प्रयास करना चाहिए इसके पक्ष में जनमत का एक बार निर्माण करना चाहिए इस पर एक लंबी बहस होनी चाहिए और तब धीरे धीरे धीरे-धीरे इसको लीगलाइज कर दिया जाना चाहिए ताकि इन समलैंगिकों को उनका अधिकार भी मिले उनके साथ न्याय भी हो भारतीय समाज में आधुनिकता की दिशा में परिवर्तन संभव भी हो सके और यह परिवर्तन यह अधिकार यह न्याय हमारे भारतीय समाज के कीमत पर न हो बिना सामाजिक विखंडन के परिवर्तन आ जाए बिना सामाजिक विखंडन के उनको अधिकार मिल जाए बिना सामाजिक विखंडन के उनके साथ में यही है बच्चों आज का क्लास और ये क्लास आज मैं यहीं पर खत्म करता हूं ये क्लास मैं खत्म करता हूं आज का टॉपिक ही था कि मैं एक बार इसके संपूर्ण पक्षों को आपके सामने रखूं ताकि आप इसको समझ सके कुछ मुद्दे हैं लिव इन रिलेशनशिप एक मुद्दा है जिस पर कई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं उस पर भी एक कानून बनेगा वो भी एक कंटेम्प्री इशू है हमारे सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है तो समय समय पर कुछ इस तरह के क्लासेस जो होंगे वो मैं लेकर आता रहूंगा बट याद रखो मेरे क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है और मैं कोशिश करता हूं कि उस क्लास के बाद फिर उस पल कुछ और सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़े वो कंप्लीट हो कम से कम उस टॉपिक पर फोकस्ड हो तो मैंने कोशिश किया है हमारे सामने एक समय का बंधन भी था ऑलरेडी यूट्यूब पे दस मिनट पंद्रह मिनट से ज्यादा क्लास नहीं होता है मैं दो ढाई घंटे का क्लास आपका ले लिया समय लेकिन कम से कम हम किसी भी टॉपिक को उठाएं तो उसमें एक पूर्णता होनी चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए हाँ, इसको और ज्यादा मैं खींच सकता था और लंबा हो सकता था बहुत सारी इसके डायमेंशन है लेकिन मैंने कोशिश की कि इतने समय में मैं समलैंगिक विवाह के जो भारत में मुद्दे हैं इंडिया के कंटेस्ट में जो इशू है उसके सभी पक्षों को मैं हॉलिस्टिकली समग्रता में मैं आपको समझा सकूं इसलिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया सो so, थैंक यू थैंक यू वेरी मच आपने प्रेसेंसली सुना सु so, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू